हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की हमारी जो क्लास है ये एक स्पेशल क्लास होने वाली है ना। स्पेशल क्लास कैसे होने वाली है, इसमें हम लोग PYQs करने वाले हैं यूपीएससी के लिए। पिछले 3 सालों के, 2021, 22 और 23, पिछले 3 सालों के यानी कि 21, 22, 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। आपने लगभग पूरे वर्ष सुना होगा, पूरे साल आपने सुना होगा क्लास में, है ना, कोचिंग्स में। आप किसी से जब सजेशन लेते हैं, गाइड आपको वही करता है तो बोलते हैं कि आप PYQs को एनालिसिस करो। तो चूंकि ये हमारा बिल्कुल लास्ट मूवमेंट चल रहा है, जस्ट कमिंग संडे को आपका एग्जाम है, तो एक बार देख लेते हैं पिछले 3 वर्षों के अपने PYQs, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हम लोग शुरू करेंगे 2021 से, ठीक है। सबसे पहले हम 2021 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर 22 और उसके बाद हम 23 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं 2021 में जो सवाल आया था ज्योग्राफी से संबंधित, वो था हाउ इज द परमाकल्चर डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। परमाकल्चर फार्मिंग के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि ये कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग से किस प्रकार से अलग है, उसके बारे में हमें देखना है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे जो कोड दिया गया है उसमें से अपना आंसर सेलेक्ट करिए जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उनके आधार पर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो था परमाकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर एंड प्रैक्टिस, बट इट कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट, ठीक है। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा था, सेकंड स्टेटमेंट था कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी बट ऑक्यूरेंस ऑफ सच फेनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व इन द परमाकल्चरल फार्मिंग। यानी कि जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग होती है उसमें क्या होता है कि मृदा सैलिनिटी, मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मली जो परमाकल्चर फार्मिंग होती है उसमें ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, एंड थर्ड स्टेटमेंट है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट परमाकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजंस, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। एंड थर्ड हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परमाकल्चर फार्मिंग, यानी कि जो मल्चिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है परमाकल्चर फार्मिंग में, बट नॉट नेसेसरली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। हाँ जी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा जो फोर्थ है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है परमाकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है एंड सेकंड स्टेटमेंट है कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इन द सॉइल सैलिनिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा सही है एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो हमारा इसका जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा बी, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देख लेते हैं इसको, आंसर है इसका बी। आपको मैं एक चीज और बता रही हूँ, ठीक है। देखो बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है एग्जाम का और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्या होता है, कितने इंपॉर्टेंट PYQs होते हैं, क्योंकि लगभग पूरे साल आपको कोई ना कोई ये बता रहा होता है कि आपको PYQs को एनालिसिस करना है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ से रिपीट होती है, ठीक है, तो ये करना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं, सो परमाकल्चर इज अमंगेस्ट अदर इन अप्रोच टू लैंड मैनेजमेंट दैट अडॉप्ट अरेंजमेंट ऑब्जर्व इन द फ्लोरिशिंग नेचुरल इकोसिस्टम। इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल्स डिराइव्ड यूजिंग द होल सिस्टम थिंकिंग एंड कम्युनिटी रेजिलियंस परमाकल्चर डिस्करेज मोनोकल्चर। ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये था, एंड सर्व टू ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग वाइड रेंज ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड देयर बाय एक्सपांडिंग द फूड बास्केट्स, दस द परमाकल्चर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स द कम्युनिटी हेल्थ। हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही था। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ परमाकल्चर मैथड्स एंड इंट्रोड्यूसिंग परमाकल्चर टेक्निक्स लाइक द सॉल्स नेचुरल मल्चिंग एंड रेनफॉल हार्वेस्टिंग लेगिंग कल्टिवेशन हैव अ क्लियर रोल। यानी कि परमाकल्चर फार्मिंग में क्या होता है कि मल्चिंग प्रैक्टिस होती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड स्टेटमेंट
मल्च इज अ मटेरियल प्लेस्ड ऑन सॉइल सरफेस टू मेंटेन मॉइस्चर, रिड्यूस द वीट ग्रोथ एंड मिटिगेट सॉइल इरोजन एंड इम्प्रूव सॉइल कंडीशन. सो मल्चिंग कैन हेल्प टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड एंड ऑप्टिमाइज वाटर यूज इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ परमाकल्चर. इसलिए हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट था ये सही था. ठीक है, आगे देख लेते हैं. जो सेकंड हमारा सवाल है 2021 में जो पूछा गया है ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो है विद रेफरेंस टू पाम ऑयल एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पाम ऑयल के बारे में सवाल पूछा गया है. सो इसमें करना क्या है आपको, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबव इज आर करेक्ट. आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, उसी के बेस पर अपना आंसर देना है. सो देख लेते हैं. फर्स्ट है द पाम ऑयल ट्रीज इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया. ये स्टेटमेंट गलत है. आपने ये पढ़ा भी होगा कि पाम ऑयल कहाँ से रिलेटेड है, साउथ ईस्ट एशिया से. ये नेटिव नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यही गलत हो जाता है. एंड सेकंड है द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम. जो पाम ऑयल होता है वो कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, जैसे कि लिपस्टिक, यानी कि ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, कई सारे मेडिसिन में भी यूज होता है, परफ्यूम्स में यूज होता है. ठीक है, सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है. एंड थर्ड है पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल. क्या पाम ऑयल जो होता है उसका उपयोग बायोडीजल प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जा सकता है या फिर किया जाता है? तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है. सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है. सो आंसर हमारा इसका है बी. एंड फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट ए का नेटिव नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव नहीं होता है पाम, है ना, पाम ट्री. देख लेते हैं. सो हमारा जो आंसर है इसका वो है बी. सो पाम ऑयल इज एन एडिबल वेजिटेबल ऑयल डेराइव फ्रॉम द मॉस्क्रैप. यानी कि ये क्या होता है, रेड स्पल, जो फ्रूट होता है पाम होता है उसके अंदर का जो गूदा होता है उसको बोलते हैं रेड स्पल होता है वो. एंड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ ऑयल पाम, वहीं से फिर ये तेल निकाला जाता है. एंड पाम ऑयल ट्री इज नेटिव ऑफ अफ्रीका. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत था, क्योंकि पाम ऑयल ट्री जो होता है वो साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव नहीं है, बल्कि वो अफ्रीका का नेटिव है. ठीक है, बाकी हमारे दोनों स्टेटमेंट सही थे. एंड आगे हम इसको देख लेते हैं. जो आज का हमारा तीसरा सवाल है, यानी 2021 में जो ज्योग्राफी से संबंधित सवाल पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन, वो था विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग फोर रिवर एंड थ्री ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम व्हिच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट. अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज सच रिवर दैट जॉइंस द इंडस रिवर. अब इसमें से देखना ये है कि इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है जो कि इंडस रिवर को डायरेक्टली ज्वाइन करती है. ठीक है, इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती है, वो रिवर कौन सी है? तो चेनाब है, झेलम है, रावी है, सतलुज है. देखो एक चीज आप देख रहे होगे इसमें कि अगर जो हमने प्रैक्टिस भी किया है ना अपने जो वीकली क्लासेज में, यहाँ पे आपको कोई भी सवाल ऐसा नहीं दिखेगा जो अलग हो. बस डिफरेंस क्या होता है कि कई बार हम लोग ना क्लियर पढ़ नहीं पाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, एग्जाम का प्रेशर होता है, इसलिए हमको जो फाइनल एग्जाम होता है हमारा प्रीलिम्स का, तो हमको ऐसे लगता है कि बड़ा टफ आ रहा है पेपर, है ना, इसलिए हमारे क्वेश्चंस वहां पे गलत हो जाते हैं, एक्यूरेसी हमारी काफी बिगड़ जाती है वहां पे. राइट, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रखने हैं, और जो एग्जाम एंजाइटी होती है वो उससे आपको मैनेज करना है, उसके अंडर में नहीं आना है. राइट, देख लेते हैं. सो यहां पर आपको पता है चेनाब नदी है जो कि इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती है. आंसर देखते हैं इसका ए, चेनाब. एंड अब जो फोर्थ हमारा क्वेश्चन आया था, जो चौथा सवाल इसमें है ज्योग्राफी से संबंधित जो पूछा गया था 2021 में, वो था विद रेफरेंस टू इंडिया डिडवाना कक्षमन एंड सारगोन एंड खाटू आर द नेम ऑफ. यानी ये जो नाम दिए गए हैं, डिडवाना है, कक्षमन है, सारगोल है और खाटू है, ये किसके नाम है? और ये भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है. क्या ये ग्लेशियर्स के नाम है, या फिर ये मैंग्रोव एरियाज के नाम है, या फिर ये रामसर साइट्स के नाम है, या ये साइलेंट लेक्स के नाम है ना? आप देख रहे हैं किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं. डिफरेंस बस ये होता है कि कई बार इतनी बेसिक चीज पूछी जाती है कि उनको हम ना स्किप कर जाते हैं कि अरे ये तो ये कैसे पूछेगा, है ना, यूपीएससी का एग्जाम है, इतनी छोटी सी चीज थोड़ी पूछेगा. लेकिन बहुत बेसिक चीज पूछी जाती है जो कि एनसीईआरटी से उठाई जाती है हमारी. राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिडवाना एंड कक्षमन सारगोल खाटू आर द नेम ऑफ ग्लेशियर के नाम है, मैंग्रोव एरियाज के नाम है, रामसर साइट्स के नाम है, या फिर साइलेंट लेक्स.
किसका नाम है? तो ये सैनल लेक्स है, आपको पता है डिंडवाना लेक, जब आप डिंडवाना सुनते हैं तो लेक है ना, पढ़ा भी होगा आपने, खाटू भी एक लेक है, ठीक है, सारगोल, तो ये सैलिन लेक है, यानी कि लवणीय झीलें हैं ये। देख लेते हैं इसका आंसर, आंसर है इसका डी, सैलिन लेक्स है ये। आगे देखते हैं, जो आज फिफ्थ क्वेश्चन है 2021 में जो सवाल ये पूछा गया था वो है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, यानी कि नदियों के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, एंड विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो कि ईस्टर्न घाट से संबंधित है ना, ईस्टर्न घाट से जिसका ओरिजिन हुआ है। सो देख लेते हैं, ब्राह्मणी है, नागवली है ना, और सुबर्णरेखा एंड वंशधारा। सो वंशधारा एक नदी है, स्वर्णरेखा एक नदी है, एंड नागवली एक नदी है, और दूसरी है ब्राह्मणी नदी। तो इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जिसका कि ओरिजन हुआ था ईस्टर्न कोस्ट से, ईस्टर्न घाट से जिसका ओरिजन हुआ था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे है नागवेली एंड वंशधारा। नागवेली एंड वंशधारा ये ऐसी नदियां हैं जिनका कि ओरिजन हुआ था ईस्टर्न कोस्ट से, ठीक है। तो आंसर हमारा इसका आएगा बी। देखते हैं अभी इसको, नागवेली रिवर फ्रॉम प्राइम रिवर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट से इनका ओरिजिन हुआ। तो नागवेली का कहाँ से? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, और यहाँ पर इनका हुआ था ओरिजिन नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश से, सौदर्न ओडिशा में, यानी कि ओडिशा के दक्षिणी एरिया और आंध्र प्रदेश के उत्तर, यहाँ आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में, ओडिशा का साउथ आ जाएगा और आंध्र प्रदेश का नॉर्थ आ जाएगा, जहां से कि नागवली रिवर का ओरिजन हुआ है ईस्टर्न कोस्ट पर, ठीक है। दूसरी चीज, एन एल्टीट्यूड ऑफ 1300 मीटर इन द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा। सो आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, वंशधारा रिवर अराइज इन द ईस्टर्न घाट्स, जो वंशधारा नदी है इसका ओरिजिन हुआ है ईस्टर्न घाट से। कहाँ पर हुआ है? ये कालाहांडी जिले के बॉर्डर पे हुआ है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ओडिशा के। सो वंशधारा, नागवली, ये दोनों ही ओडिशा के किनारे पर, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पर इनका ओरिजिन हुआ है। दूसरी चीज, इट रन फॉर अ डिस्टेंस अबाउट 254 किलोमीटर वेयर इट ज्वाइंस द बे ऑफ बंगाल इन द कलिंगपत्तनम, है ना, आंध्र प्रदेश। सो ये देखो, जब हम एक नदी के, अब यहाँ पे क्या है, हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन जब हम चारों नदियों के बारे में पढ़ेंगे, और मान लीजिए इस बार एग्जाम में इस बार तो पूछ लिया वंशधारा के बारे में हमारा आंसर है, लेकिन अगले बार अगर ब्राह्मणी आंसर हो सकता है उसको किसी से कनेक्ट करके पूछ लेगा, या फिर स्वर्णरेखा के बारे में, तो हमको वो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उनको एनालिसिस करने का, ठीक है। देख लेते हैं, सो ब्राह्मणी इज अ मेजर सीजनल रिवर, ब्राह्मणी एक मुख्य सीजनल नदी है, कहाँ पर है? ओडिशा में है, ईस्टर्न इंडिया की नदी है ये भी। एंड ब्राह्मणी इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ संक एंड साउथ कोयल रिवर, जो ब्राह्मणी नदी बनती है वो संक और साउथ कोयल नदी के संगम पर बनती है, जहां पर ये दोनों नदी बनती है वहां से निकलती है ब्राह्मणी, एंड इंडस्ट्रियल टाउन फॉर राउरकेला, ठीक है। एंड संक हैज ओरिजिन नियर द झारखंड, संख नदी की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? झारखंड में होती है ये, छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। सो आगे देख लेते हैं, सो अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कि साउथ कोयल इट टू अराइज इन झारखंड, साउथ कोयल भी झारखंड से निकलती है। एंड स्वर्णरेखा नदी के बारे में आप जब पढ़ते हैं, सो फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, और इसका जो ओरिजिन होता है वो नियर रांची, इट ट्रांसवर्स लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द रांची एंड ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। देख लेते हैं इसको आगे, ओके। सो हमारा जो आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही है। सो देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्यों गलत है वो हम अभी देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल बॉर्डर। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत ने भारत को इंटरनेशनल लाइसेंस रिसीव हो चुका है फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय वाटर होता है, पानी होता है, वहां पर भारत को सी बेड एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस मिल चुका है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर,
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो इंटरनेशनल वाटर है वहां पर रेयर अर्थ मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा गलत। देख लेते हैं अभी इसको, आंसर हमारा है बी। सो ग्लोबल ओशन कमीशन वॉज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव बिटवीन 2013 टू 16 एंड रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट एक्शन टू एड्रेस द डिग्रेडेशन ऑफ ओशन एंड हेल्प रिस्टोर इट टू फुल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। लाइसेंस फॉर सी वाइड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर आर ग्रांटेड बाय इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। जो इंटरनेशनल वाटर में सी बेड एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा ग्रांट किया जाता है? सो वो दिया जाता है ग्रांटेड बाय द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ठीक है, ग्लोबल ओशन कमीशन के द्वारा नहीं दिया जाता है, इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो गलत था। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो गलत था। आगे देख लो, इंडिया हैज बीन एक्सप्लोरिंग डीप सी फॉर मिनरल्स सिंस 1981। भारत 1981 से इंटरनेशनल डीप सी एक्सप्लोरेशन कर रहा है। इन 2017 इंडिया एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोर पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स फ्रॉम द सी बेड इन सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन हैव बीन एक्सटेंडेड बाय 5 ईयर्स। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही था क्योंकि इंडिया के पास लाइसेंस है, इसीलिए वो सी बेड एक्सप्लोरेशन कर पा रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर में। दूसरी चीज, द डीप सी वाइड कंटेन्स टू पोटेंशियल सोर्स फॉर रेयर अर्थ मटेरियल्स। इसका मतलब इंटरनेशनल वाटर में रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि डीप सी बेड कंटेन्स टू पोटेंशियल सोर्स फॉर रेयर अर्थ मटेरियल। एक होता है पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स विच टिपिकली कंटेन्ट मैग्नीशियम एंड निकेल, कॉपर, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ मिनरल्स, एंड सी फ्लोर हाइड्रोथर्मल बेड्स विच पंप आउट रेयर अर्थ मटेरियल एंड डिजोल्व इन देयर द हॉट फ्लूइड्स। इसलिए सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम, जो सातवां सवाल 2021 में पूछा गया है वो है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। इन चार फसलों में से कौन सी फसल ऐसी है जो कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है, यानी कि जिसमें सबसे कम पानी, वो फसल कौन सी जिसमें सबसे कम पानी एफिशिएंटली यूज होता है? शुगर केन, सनफ्लावर, पल्स मिलेट्स एंड रेड ग्राम, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शुगर केन। इसका आंसर होगा शुगर केन। देख लेते हैं, आप यहां पर देखिए, इट टेक्स अबाउट 2 10 लीटर ऑफ द वॉटर टू प्रोड्यूस 1 kg शुगर केन। आप देखिए कितना कम एफिशिएंटली पानी यहां पर यूज होता है ना, तो शुगर केन में बहुत ज्यादा पानी यूज हो जाता है, बहुत कम एफिशिएंसी होती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड मिलेट्स आर सोन इन ड्राई एरियाज विद अ मिनिमल इरिगेशन। जो मिलेट्स होते हैं बहुत कम उसमें इरिगेशन होता है। रेड ग्राम रिक्वायर्स 35 to 40 cm वाटर ड्यूरिंग इट्स एंटायर ग्रोथ पीरियड एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द बडिंग, फ्लावरिंग एंड द पॉड फॉर्मेशन स्टेज। जो रेड ग्राम होता है इज अ रेन फेड क्रॉप, यानी कि बारिश की फसल होती है, ग्रोन इन द अशोर्ड रेनफॉल एरियाज, यूजली इट डज नॉट नीड एनी इरिगेशन। क्योंकि ये एक रेन फेड क्रॉप है इसलिए इसके लिए इरिगेशन की जरूरत नहीं होती है, बारिश के मौसम में ही रेड ग्राम होता है। तो जो हमारा आंसर था वो था शुगर केन, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसको, आगे हम देखेंगे। हमारा जो आठवां सवाल है 2021 में पूछा गया है ये सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं और विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। मैं आपको एक चीज और बता दूं, और लगभग मैंने अपनी हर क्लास में ये चीज बताई है, देखो फाइनल एग्जाम है ना, बहुत सारे ह्यूमन एरर्स हम लोग करते हैं जब हम OMR सीट पढ़ते हैं, और इस समय क्या होता है बच्चों के ऊपर एक प्रेशर रहता है, ठीक है, कि एग्जाम क्वालिफाई होने का, तो उस चक्कर में क्या होता है बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। अगर आप ठीक से क्वेश्चन पेपर पढ़ भी रहे हैं और आपने टिक नहीं किया, OMR में गलत भर दिया है ना, आंसर मान लो ए है, पता चले वहां पे बी भर दिया, तो आपका तो नंबर गया, फिर वहां पे कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और उसके ऊपर अगर हो सके जो भी आंसर है बिल्कुल लिख लो, अगर बी है तो उस पर बी लिख लो, ताकि जब OMR सीट आप भरेंगे उस नंबर की तो आपको पता रहेगा कि इस क्वेश्चन में हमको बी भरना है, ए भरना है कि क्या भरना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आपको बचना है, ठीक है। सो आगे हम देख लेते हैं, फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट है, इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन
are warmer than the eastern section owing the influence of trade winds. And second statement है, in the temperate zone, जो temperate zone होता है, शीतोष्ण zone होता है, westerlies make the eastern section ocean warmer than the western section. बिल्कुल सही बात है. Temperate zone में क्या होता है, western section की अपेक्षा जो eastern section होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है समुद्री एरिया. एंड ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है कि वेस्टर्न सेक्शन ओशन का यानी कि महासागर का जो पश्चिमी इलाका होता है, वेस्टर्न सेक्शन होता है, वो ज्यादा गर्म होता है ईस्टर्न सेक्शन की अपेक्षा. ठीक है, तो हमारे ये जो स्टेटमेंट है दोनों ही सही स्टेटमेंट है. क्यों सही है वो अभी हम देखेंगे. आंसर इसमें यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड भी सही, तो आंसर होगा इसमें सी. देख लेते हैं अभी, आंसर है सी. ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लीफ लिटर डिकम्पोज फास्टर देन इन एनी अदर बायोमास एज अ रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर अपार्ट फ्रॉम ट्रीज द वेजिटेशन इज लार्जली कम्पोज ऑफ प्लांट्स दैट रीच अप इनटू द कैनोपी विकेरियसली बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग एज एपिथाइट एंड रूटेड ऑन अपर ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. दिस इज द मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन ऑफ, यानी कि हम इनमें से किसकी बात कर रहे हैं, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, या मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, या फिर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम इनमें से किसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, आपको पता है कैनोपी कहाँ पर बनती है. ठीक है, एक शब्द ही इनफ होता है. कई बार पता है क्या होता है, अगर आप ठीक से पढ़ाई करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही मिल जाती है. मुश्किल से आप मान के चलिए कि कुछ ही सवाल ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा रीच से बाहर आते हैं. क्वालिफाई करने लायक तो सवाल आते ही हैं, ऑलमोस्ट ऐसे कि आपको पता चल जाता है अगर आपने पढ़ाई ठीक से करी है पूरे साल. कई बार केवल एक शब्द इनफ होता है आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर जो कैनोपी वर्ड है, अगर आपने पढ़ा है तो कैनोपी कहाँ पर बनता है, किस तरीके के कैनिफोरियस फॉरेस्ट में बनता है, ड्राई डेसीडियस में बनता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में बनता है, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बनता है. ठीक है, सो आपने जब भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पढ़ा होगा, कैनोपी आपने हमेशा पढ़ा होगा, है ना. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, आंसर होगा इसका डी. जो नेक्स्ट सवाल है, दसवां क्वेश्चन है, वो है, द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड्स विद स्कैटर्ड एंड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली कैप्ट इन चेक बाय वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस एंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशंस. सो वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड स्कैटर्ड स्मॉल एरिया. जो सवाना वेजिटेशन होता है वहां पर ग्रासलैंड्स होता है. ठीक है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, बिखरे हुए पेड़ होते हैं, और बहुत सारा एक्सटेंसिव एरिया ऐसा होता है जो कि वहां पर कोई पेड़ ही नहीं होता, यानी कि ओपन एरिया है, खाली होता है. द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरिया इज जनरली कैप्ट इन चेक बाय वन और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस. यानी इस तरीके का जो एरिया होता है वहां पे फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, कई तरीके के कॉम्बिनेशन किए जाते हैं, कई तरीके की चीजें की जाती हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशन, इनमें से ये कौन सी कंडीशन है, ये हमें यहाँ पर देखना है कि इनमें से ये कंडीशन है कौन सी. सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. अगेन हमको क्या करना है, सही आंसर चुनना है. एक चीज और, जब भी आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर या सेलेक्ट विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना, कई बार इस तरीके से भी आता है. ठीक है, तो आपको इस पे जरूर ध्यान देना है. कई बार तो एक दो सवाल ना स्टूडेंट से ऐसे ही गलत हो जाता है कि पूछ रहा था उसमें कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, है ना, और वहां पे पता चले कि हमारे माइंड में जो हम एक पैटर्न बन जाता है इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही है, क्योंकि यूपीएससी है. ठीक है, तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम होता है, तो आपको ना अपना पैटर्न भी वैसे ही बनाना है कि आपको बिल्कुल तैयार रहना है, किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है, आपको वही सुनना है और वैसे ही आंसर करना है. जो पहले से माइंड में फिट है वो वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करना है. ठीक है, सो देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग. बोरोइंग एनिमल एंड टर्माइट एंड फायर ग्रेजिंग हार्बोरस सीजनल रेनफॉल सॉइल प्रॉपर्टीज. सो फायर बिल्कुल सही है, फर्स्ट गलत है, एंड ग्रेजिंग हार्बोरस बिल्कुल सही है, एंड सीजनल रेनफॉल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है. सॉइल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमारे जो स्टेटमेंट है वो सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है. ठीक है,
सो आंसर हमारा इसका आएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सी। देख लेते हैं इसको, आंसर है हमारा सी। जो नेक्स्ट सवाल है वो है, विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बात हो रही है विद रेफरेंस टू वाटर ऑन प्लेनेट अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, इस पर पानी के संबंध में बात हो रही है और दो स्टेटमेंट आपके सामने है। देखना यह है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगेन पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, यानी कि पृथ्वी ग्रह से संबंधित पानी के बारे में बात हो रही है किस संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछना यह है कि उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसी के बेस पर अपना आंसर देना है। ठीक है, सो देख लेते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ वॉटर इज द रिवर्स, द अमाउंट ऑफ वॉटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वॉटर। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के बहुत ही बहुत जनरल स्टेटमेंट है, इसको पढ़ के कोई भी बता सकता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्या ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड वाटर से ज्यादा पानी यहाँ पर नदियों में हो और लेक्स में हो, है ना? तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, पढ़ के ही पता चल रहा है कि गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। बिल्कुल सही बात है, जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस कैप्स हैं, उनमें ग्राउंड वाटर से बहुत ज़्यादा पानी है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फिर सी लेवल राइज होता जा रहा है ना, तो बहुत सारी जगह फ्लड आने की आशंका है, ऐसी बातें होती है। ठीक है, सो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में ग्राउंड वाटर से ज़्यादा पानी है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। आंसर कौन सा होगा इसमें, क्योंकि सही पूछा है तो आंसर होगा इसमें बी, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, आंसर होगा बी। आगे देख लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल, जो काली मृदा होती है जिसमें कि कॉटन उगाई जाती है भारत में, हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, वो किसके वेदरिंग की वजह से होती है, किसके अपक्षय की वजह से होती है। यहाँ पर देख लेते हैं, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल या फिसर वॉल्केनिक रॉक्स, ग्रेनाइट एंड सिल्ट एंड शेल एंड लाइमस्टोन। तो आपको पता है जो ब्लैक सॉइल होती है, जो रेगुर मृदा भी उसको बोला जाता है ब्लैक सॉइल को, वो किसके वेदरिंग से बनती है, क्या वो ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल यानी कि जो उससे बनती है, या फिर वो ग्रेनाइट एंड सिल्ट से बनती है। क्या ये पॉसिबल है कि ग्रेनाइट से ब्लैक सॉइल बन सके, उसके जो कंपोजिशंस होते हैं, उसमें जो मिनरल्स होते हैं, ये पॉसिबल है ना? अगर हमने ठीक से इसको पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और अगर यहाँ से रिलेटेड और भी कोई सवाल आएगा, ठीक है। सो शेल एंड लाइमस्टोन ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता, फिसर वॉल्केनिक रॉक्स, बिल्कुल जो काली मृदा बनती है वो फिसर वॉल्केनिक रॉक्स के अपरदन से बनती है भारत के संदर्भ में, है ना? तो हमारा जो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है वो है बी, देख लेते हैं बी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ओके। सो यहाँ से जो हमारा सवाल शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं 2022, ठीक है, यानी कि 2022, ये 2022 के पी वाई क्यूज है, 2022 के पी वाई क्यूज है, ये 2022, ये पी वाई क्यूज है 2022 के। अभी हमने 21 के किए थे, अब हम 2022 के सॉल्व करते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2022 में, ज्योग्राफी से संबंधित जो जब सवाल पूछे गए थे उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्नड इनटू अ डेजर्ट, यानी कि इनमें से कौन सी लेक्स, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ये बात हो रही है वेस्ट अफ्रीका के बारे में। देखो एक चीज और आप देख रहे होंगे, जो एक क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें मैपिंग का भी सवाल पूछा जा रहा है, उसमें अब पीछे जो सवाल था 21 का, जो लास्ट सवाल था ज्योग्राफी का, सॉइल भी थी और उसमें रॉक्स के बारे में भी थी। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि सिस्ट क्या होती है, सेल क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या होते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आप पता नहीं कर पाएंगे
ये जब इसकी वेदरिंग होती है तो उससे किस प्रकार की मृदा बनती है, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, वेस्ट अफ्रीका के लेक्स के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी लेक ऐसी है जो कि सूख चुकी है और वो एक डेजर्ट में परिवर्तित हो गई है ना। अब आप यहाँ पे क्या है, अफ्रीका की मैपिंग भी अगर आपने की है तो आप समझ जाएंगे, और आपने लेक्स को भी वहां पर देखा होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप इजिली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड नेचुरल एंड टर्न इन टू अ डेजर्ट। कौन सी नदी इनमें से ऐसी है पश्चिम वेस्ट अफ्रीका की, पश्चिम अफ्रीका की, जो कि सूख गई है और रेगिस्तान में परिवर्तित हो चुकी है। लेक विक्टोरिया है, लेक फ्यूगुबाइन है, लेक ओगुटा है एंड लेक वोल्टा है। सो इसका जो आंसर है वो है लेक फ्यूगुबाइन, यानी कि बी हमारा आंसर इसका सही है। आंसर है इसका बी, लेक फ्यूगुबाइन। देख लेते हैं आगे हम इसको, लेक फ्यूगुबाइन इज अ आइसोलेटेड लेक इन माली। वेस्ट अफ्रीका की बात हो रही है, आपने अगर मैपिंग की होगी तो आपको पता है कि माली अफ्रीका के किस क्षेत्र में पड़ता है, वेस्टर्न में है या ईस्टर्न में है, और स्पेसिफिक जगह लेक जो फेगोबाइन है वो माली में है, और माली अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में आता है, यानी कि वेस्टर्न वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये। सो वेस्ट ऑफ तिम्बुकाता, या इट लाइज नॉर्थ ऑफ द नाइजर रिवर इन द मकीना डिप्रेशन एंड लेक फेगोबाइन इन नॉर्दर्न माली इज ड्राई हैज बीन सिंस 1970s over 7 years and drought into the 70s dried up lakes, ठीक है? And the sand filled in the channels connecting the lakes to the river Niger, with the result when rain finally returned to the water could no longer reach the lakes and this lake recently dried up and turned into a desert due to the which inhabitants were forced to leave that place. ये जो लेक है ये सूख चुकी है और ये एक डेजर्ट में, यानी कि रेगिस्तान में परिवर्तित हो गई है। ये माली में है जो कि पश्चिमी अफ्रीका यानी कि वेस्टर्न अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जो सेकंड स्टेट क्वेश्चन था 2022 में, जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो है गैंडीकोटा कैनोन ऑफ साउथ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, यानी गांधी कोटा कैन ऑफ साउथ इंडिया, जो गांधी कोटा है वो साउथ भारत का, दक्षिणी भारत का है, वॉज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, इनमें से किस नदी के द्वारा ये इसकी फॉर्मेशन होती है या फिर ये बनाया जाता है, कावेरी, मंजिला, पेन्नार एंड तुंगभद्रा। सो इसका जो आंसर है वो है पेन्नार, इसका जो आंसर है वो है पेन्नार। देख लेते हैं आंसर इसका पेन्नार। ओके, सो गांडीकोटा इज अ विलेज, ये एक गाँव है एंड हिस्टोरिकल फोर्ट, गांडी कोटा हिस्टोरिकल फोर्ट है एक गांव में, ठीक है। एंड उस गांव का नाम भी गांडी कोटा ही है, ऑन द राइट बैंक ऑफ द पेनार रिवर, और ये कहाँ पर है, पेनार नदी के राइट बैंक पर है, यानी कि दाहिने किनारे पर, यानी कि पेनार नदी के दाहिने किनारे पर एक गांडी कोटा नाम का गांव है, और उस गांव में एक किला है, हिस्टोरिकल फोर्ट है जिसका नाम है गांडी कोटा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये, अगर राज्य की बात करें तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। दूसरी चीज, द फोर्ट वॉज द सेंटर ऑफ पावर फॉर अ वेरियस डायनेस्टी, बहुत सारी यानी कई प्रकार की डायनेस्टीज का ये सेंटर पावर था, सच एज द कल्याणी, चालुक्य एंड द पेमासेनी, नायक एंड द गोलकोंडा सल्तनेट, ठीक है। तो कई सारे डायनेस्टीज के लिए ये सेंटर ऑफ पावर था, जो कि गांडीकोटा था, पेन्नार नदी के राइट बैंक पर ये गांव है जहां पर ये फोर्ट है। आगे देख लेते हैं हम इसको। ओके, 2022 में जो अगला सवाल पूछा गया है, तीसरा सवाल पूछा गया है वो है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ दी गई हैं चोटियां और दूसरी तरफ दिए गए हैं माउंटेन्स, तो कौन सी चोटी किस माउंटेन में है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच, हमें इसमें क्या देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो कि करेक्टली मैच्ड है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आजकल जो ट्रेंड है यूपीएससी में, स्पेशली जो 2023 में सवाल पूछे गए थे उसमें क्या पूछा गया था, मान लो यही सवाल है, ये क्वेश्चन 2023 में आया है मान लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें से पता है क्या पूछा जाएगा, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पेयर सही है, वहां पर पूछा जाएगा इसमें से कितने पेयर सही है, कौन सा नहीं, कितने पेयर सही है ना, हाउ मेनी पेयर आर करेक्टली मैच्ड, ये वहां पर पूछा जाता है। तो अगर दो पेयर सही है तो उसमें आएगा ओनली टू पेयर आर करेक्ट, और वन और थ्री, इस तरीके के वो सवाल पूछे गए हैं। तो ट्रेंड जो हो रहा है ना वो धीरे धीरे बदल रहा है, तो आपका
जो पैटर्न होना चाहिए वो बिल्कुल, अगर ये आता है कौन सा पेयर सही है, कितने पेयर सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कुछ भी किसी भी तरीके का पूछा जाए, आपको क्या करना है कि बिल्कुल अलर्ट होकर के पढ़ना है क्वेश्चन को, ताकि जो पीछे से आप पढ़ते आ रहे हो ना वो वहां पर चीज आपके ऐसा ना हो कि वहां पे आप उसी तरीके से उसको सॉल्व करने लग जाओ। देखना कि ये है कि पूछ क्या रहा है, उसी के बेस पर अपने प्रीवियस नॉलेज को वहां पर उसके साथ में कनेक्ट करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सो यहाँ पर है नामचा बरवा, नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय में है ना, ये कह रहा है। देखने क्या है कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज करेक्टली मैच। एंड नंदा देवी, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको पता है नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है। नोकरेक, नोकरेक है सिक्किम, सिक्किम हिमालय में है नोकरेक, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। इसमें से एक पेयर सही है और वो कौन सा पेयर है, वो है सेकंड पेयर। ठीक है, सेकंड पेयर हमारा सही है, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय। आगे देख लेते हैं बी, पेयर वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्यों, क्योंकि नामचा वर्मा और द नामचा वर्मा इज द माउंटेन पीक लाइक इन द तिब्बत रीजन ऑफ पेमाको। जो नामचा वर्मा पीक है, पहाड़ी है, वो पेमाको में पड़ती है, तिब्बत में है ना, वो हिमालयन यहाँ पर गढ़वाल में नहीं पड़ती है बल्कि तिब्बत में पड़ती है। दूसरी चीज, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन ऑफ हिमालय इन द साउदर्न तिब्बत एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का ये साउदर्न ईस्टर्न हिमालय है, ठीक है, जहां पर ईस्टर्न मोस्ट हिमालय सेक्शन है हिमालय का, ये जहां पर नामचा बरवा पड़ती है। आगे देख लेते हैं, गढ़वाल हिमालयास आर माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड। जबकि जो गढ़वाल हिमालय है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में है ना, वहीं पर जो नामचा बरवा है वो तिब्बत में है, जो कि हिमालय का ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन है वहां पर पड़ता है, और तिब्बत के सौदर्न मोस्ट, यहाँ पर सौदर्न ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है तिब्बत के। पेयर टू इज करेक्टली मैच्ड, जो पेयर टू है वो करेक्टली मैच्ड है, आपको पता है नंदा देवी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया में आफ्टर कंचनजंगा, और ये पड़ता है कुमायूं हिमालय में। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं हम इसको, इट इज सिचुएटेड इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट, ओके, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। एंड कुमाऊं हिमालय वेस्ट सेंट्रल सेक्शन ऑफ हिमालय इन द नॉर्दर्न इंडिया, एक्सटेंडेड 200 माइल फ्रॉम द सतलुज रिवर ईस्ट ऑफ द काली। इट राइज टू 7,817 मीटर टू नंदा देवी एंड रेंज हाईएस्ट पीक एट 7,756 मीटर एट द कामेट नियर द चाइनीज बॉर्डर। एंड थर्ड पेयर जो है वो इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्यों करेक्टली मैच नहीं है, बिकॉज द नोकरेक पीक इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया ऑन द तुरा रेंज विच इज फॉर्म पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू। यानी कि जो नोकरेक पीक है वो मेघालय प्लेट्यू के तुना रेंज में है, ठीक है, तुरा रेंज में, ना कि वो सिक्किम हिमालय में है। सो नोकरेक कहाँ पर है, नोकरेक है मेघालय प्लेट्यू के तुरा रेंज में, सिक्किम हिमालय में नहीं है बल्कि मेघालय प्लेट्यू के तुरा रेंज में है नोकरेक, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एंड द एंटायर एरिया ऑफ माउंटेनियस एंड द नोकरेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द गारो हिल्स राइजिंग अप टू 1,412 मीटर्स। एंटायर एरिया इन माउंटेनियस एंड नोकरेक इज द हाईएस्ट, ये जो नोकरेक है ये हाईएस्ट पीक है गारो हिल्स की, आपको ये भी ध्यान रखना है, मे बी कहीं पर स्टेटमेंट में ऐसा सवाल पूछ लिया जाए या फिर ये यूज हो जाता है कई बार। आगे देखते हैं जो 2022 में पूछा गया अगला सवाल है, ये चौथा सवाल है, इसके बारे में देख लेते हैं। 2022 में ये पूछा गया है, सो द टर्म लेवेंट ऑफन हियर इन द न्यूज रफली कॉरस्पॉन्डेंट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। यानी कि एक टर्म यहाँ पर दिया गया है और वो टर्म है लेवेंट्स, पूछा गया है कि ये आपने लगभग न्यूज में कई बार सुना होगा, एंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, और ये आपने किस क्षेत्र में सुना है या किस क्षेत्र से संबंधित है। देखो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत सारे टर्म आपको ऐसे मिल जाएंगे, और हर साल 2023 में भी कम से कम 5 सवाल ऐसे आए थे जो केवल एक टर्म दे दिया गया था कि इस टर्म को आप बताइए ये क्या है ना। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं
तो आपको पता है, इसीलिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स को रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ने की बात बोली जाती है ताकि स्किप ना हो, क्योंकि पता नहीं कि कौन सी चीज़ ऐसी वहाँ पर आ जाए जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, है ना। और लगभग सारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। कई बार तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपके वो इकोनॉमिक्स में भी यूज हो जाएंगे, ज्योग्राफी में भी यूज हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि बहुत जो भी आपने नोट्स बनाए हैं पूरे साल में, क्योंकि अब सिर्फ आपके पास 2 दिन बचे हैं, ठीक है, तो जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको बस जल्दी से फटाफट से रिवीजन करिए, और जो भी ऐसे टर्म आपने लिखे होंगे एक जगह पर उनको भी आप देख लीजिए कि किससे रिलेटेड है, किस रीजन से रिलेटेड है, किसने दिया था और क्यों दिया था। 4 चीजें आप उसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो टर्म है लेवेंट्स ऑफन एयर्ड इन न्यूज रफली कॉरस्पोंडेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है। फर्स्ट है रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स, एंड सेकेंड है रीजन अलोंग द नॉर्थ अफ्रीकन सोर्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरियन सी। क्या ये जो टर्म है एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरियन सी से रिलेटेड है, या फिर रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर से रिलेटेड है कि भूमध्य सागर के केवल ये पूर्वी किनारे से रिलेटेड है, क्या ऐसा है, या फिर पूरे भूमध्य रीजन से रिलेटेड है, या फिर नॉर्थ अफ्रीका का जो स्ट्रेच है इजिप्ट टू मोरक्को वहां से संबंधित है, या अलोंग रीजन अलोंग विद पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्या फिर वहां से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये जो टर्म है लेवेंट्स ये संबंधित है रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सोर्स। हमारा इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही। आप देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आपने मैपिंग की है तो बिल्कुल विजुलाइज आपको हो गया होगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी कहाँ पर है, मेडिटेरियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करने वाले देश कौन से हैं, इजिप्ट किधर पड़ता है, मोरक्को कहाँ पर है ना। ये सारी अफ्रीका की जब बात आती है तो अफ्रीका में कितने, मतलब उसका पूरा ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ साउथ कितने उसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या फिर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो वहां पर कौन से राज्य आते हैं, कौन से देश आते हैं, ठीक है। तो जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको मैपिंग यानी कि कंट्रीज की मैपिंग करना भी बहुत जरूरी होता है कॉन्टिनेंट वाइज, ठीक है। और जो अक्सर न्यूज में रहते हैं सवाल वहां से आएगा ही, जो पूरे वर्ष लगातार न्यूज में रहे हैं जहां पे लड़ाइयां चल रही हैं वहां से आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ वहां से स्टेटमेंट या फिर टर्म आपको दिए ही जाएंगे एग्जाम में। हम आफ्टर एग्जाम जब मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ सही है ए, देख लेते हैं। सो लेवेंट्स इज ऑल ओवर टर्म रेफरिंग टू कंट्रीज दैट ईस्टर्न मेडिटेरियन, सम स्कॉलर्स इंक्लूड इन इट साइप्रस एंड द स्मॉल पार्ट ऑफ टर्की, बट बेसिकली द लेवेंट्स हैज थ्रू आउट हिस्ट्री मीन सीरिया लेबनान एंड द पैलेस्टाइन। आपको पता है ये जो रीजन है ये पिछले कई वर्षों से चर्चा में है, कंटिन्यू चर्चा में रहता है ना, और यहाँ से हर साल सवाल पूछा जाता है, चाहे वो मैपिंग बेस्ड सवाल हो या फिर कोई टर्म बेस्ड सवाल हो, है ना, या फिर वहां पर उनकी ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, किसी देश विशेष के बारे में पूछ लेगा कि कौन सी बाउंड्री किस देश के साथ लगती है, किसी लेक के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। दूसरी चीज, दिस मीन्स जॉर्डन, जो लेवेंट है इसका मतलब है जॉर्डन वेस्ट बैंक नाउ अंडर इजराइल ऑक्यूपेशन, एंड इजराइल इटसेल्फ पार्ट ऑफ द लेवेंट, इजराइल भी लेवेंट का पार्ट था। तो ये जो लेवेंट वर्ड है टर्म है ये इस एरिया के देशों से संबंधित है, ठीक है। देख लेते हैं आगे, जो अगला सवाल है 2022 में जो अगला सवाल पूछा गया है वो है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि आपको कंट्रीज दिए गए हैं एंड विच ऑफ द अबव है बॉर्डर्ड विद अफगानिस्तान। देखना क्या है कि इनमें से कौन से देश ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं, अजरबैजान, अगेन देखो अगर आपने मैपिंग की है तो ये सवाल आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आपको पता है कि कौन से देश की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, कौन सा कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। तो अजरबैजान आप देखेंगे तो अजरबैजान अफगानिस्तान के साथ सीमा शेयर नहीं करता है, एंड किर्गिस्तान भी नहीं करता है, ताजिकिस्तान करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है, एंड उज्बेकिस्तान करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम इसको, आंसर है हमारा 3, 4, 5, आंसर है सी, बिल्कुल। आप यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान कहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सीमा शेयर करने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आप देखेंगे ताजिकिस्तान यहाँ पर सीमा शेयर करता है अफगानिस्तान से, ये देखिए ताजिकिस्तान यहाँ अफगानिस्तान के साथ सीमा शेयर कर रहा है, और उज्बेकिस्तान यहाँ से सीमा शेयर करता है, किर्गिस्तान तो बहुत दूर है अफगानिस्तान से, फिर यहाँ पर देखेंगे तुर्कमेनिस्तान भी कर रहा है, और अगर इसमें ईरान होता ऑप्शन में तो ईरान भी अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है,
ठीक है, आगे देख लेते हैं हम इसको। तो इस तरीके से मैपिंग करना ना बहुत जरूरी होता है, बहुत इजी सवाल। आप मान के चलिए 2 से 3 सवाल बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन पेपर में, जो मैपिंग से रिलेटेड होते हैं, अगर आपने मैपिंग ठीक से करी है तो। ठीक है, और उनको कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपने मैपिंग ठीक से की है, तो आपका सवाल भी सही होगा। बस प्रेशर हैंडल कर लो एग्जाम में बैठने का, जो एग्जामिनेशन में बैठने का जो प्रेशर होता है ना जब एग्जाम लिखते समय, सिर्फ उससे बचना है आपको, बाकी सारी चीजें रिकॉल होती रहती है। क्योंकि क्या होता है कि प्रेशर की वजह से हम आधी से ज्यादा चीजें भूल जाते हैं, स्किप हो जाती है हमारे माइंड से। अगला जो सवाल है 2022 में जो पूछा गया है वो है विद रेफरेंस टू इंडिया, यानी कि इंडिया के संदर्भ में पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। अगर यहाँ पर भी हमको क्या करना है, सही स्टेटमेंट देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वही देखना है हमको। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। बिल्कुल आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता है भारत में मोनोजाइट कहाँ पे मिलता है, कंटिन्यू है चर्चा में पिछले 5-6 वर्षों से, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके बारे में बात हो रही है। न्यूज़पेपर्स में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन पे कुछ ना कुछ इसके बारे में आता रहता है ना, अगर आपने कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ा है तो। देखो फोर्स करके यहाँ पर मैं भी बोल रही हूँ, और आपसे लगभग हर क्लास में हर टीचर ने बोला होगा, और जो भी आपको गाइड करते हैं उन्होंने आपको बोला होगा, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, कि न्यूज़पेपर तो रिलीजियसली यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ना ही है। आप इसमें भी देख रहे होंगे, 2021 में हम सॉल्व किया, 22 में अभी हम हैं जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, कि कितनी सारी चीजें आपकी न्यूज़पेपर से आ रही हैं। करंट क्या होता है, करंट अफेयर्स क्या होता है, आपके स्टैटिक पोर्शंस का जो करंट डेवलपमेंट होता है वही करंट अफेयर होता है ना। तो इनकी तैयारी साथ साथ होती है, ठीक है, कभी अलग अलग नहीं होती है, स्टैटिक करंट अफेयर के साथ ही तैयार होता है हमेशा। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, सो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि मोनाजाइट्स में थोरियम होता है, सही है। मोनाजाइट अक्यूर नेचुरली इन एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, नहीं, क्या मोनाजाइट हर जगह प्राकृतिक रूप से भारत में सारे कोस्टल्स में पाया जाता है ना, कोस्टल में पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कहाँ पर पाया जाता है, केरला में पाया जाता है ना। आगे देख लेते हैं, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। बिल्कुल, भारत में जो मोनाजाइट होता है उसको एक्सपोर्ट और उसको प्रोसेसिंग केवल भारत सरकार ही कर सकती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड सही है, एंड फोर्थ सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर होगा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। देख लेते हैं आंसर है इसका भी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि मोनाजाइट इज अ प्राइमरली रेडिश ब्राउन फॉस्फेट मिनरल दैट कंटेंट रेयर अर्थ मटेरियल। जो मोनाजाइट होता है वो एक रेडिस ब्राउन फॉस्फेट मिनरल होता है, जिसमें कि रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं, दुर्लभ, इसमें दुर्लभ अर्थ मटेरियल्स होते हैं। एंड ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन कंपोजिशन मोनाजाइट इज कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स, यानी कि ये ग्रुप ऑफ मिनरल्स में शामिल किया जाता है, समझा जाता है। तो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। इन एडिशन टू द रेयर अर्थ मटेरियल एलिमेंट्स थोरियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोनाजाइट ओर। जो मोनाजाइट ओर्स होते हैं वहां से थोरियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। एंड थोरियम इज अ स्लाइटली रेडियो एक्टिव मटेरियल आइडेंटिकल टू यूरेनियम। जो थोरियम होता है ये यूरेनियम की तरह रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, ठीक है, स्लाइटली रेडियो एक्टिव होता है जो थोरियम होता है ना। आगे देख लेते हैं इसको। थर्ड स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें, सो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMD अ कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट टू एटॉमिक एनर्जी एंड हैज एस्टिमेटेड प्रेजेंस 11.93 मिलियन टन्स ऑफ मोनाजाइट रिसोर्सेज इन द बीच सैंड मिनरल्स फ्लेयर्स डिपॉजिट्स अलोंग द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। एंड स्टेटमेंट फोर्थ पर जब हम आते हैं, सो मोनाजाइट इज अ मिनरल, अभी हमने देखा था कि ये मिनरल ग्रुप में शामिल किया जाता है, मेनली कंटेनिंग, क्योंकि इसमें रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं, थोरियम होता है, प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस टू बी हैंडल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी अकॉर्डिंगली इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो रेयर अर्थ लिमिटेड होता है ये भारत सरकार के द्वारा कंप्लीटली ओन किया जाता है, ठीक है, भारत सरकार के अंडर में आता है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो DAE है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यूटिलाइज करता है मोनाजाइट को मेनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ कंपाउंड एंड थोरियम एज नीडेड एंड डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। जो अगला प्रश्न है,
2022 में पूछा गया जो अगला प्रश्न है उसके बारे में हम देखते हैं। सो वो है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अक्योर्स इन, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे लंबा दिन होता है वर्ष में वो मोस्टली होता है फर्स्ट हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून में होता है, या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, फर्स्ट हाफ मंथ ऑफ जुलाई में होता है, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। सो आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वो जून महीने के सेकेंड हाफ में होता है ना, जून महीने के सेकेंड हाफ में होता है, आप ये जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, इसमें बी, इसमें हमारा जो स्टेटमेंट है वो है बी, देख लेते हैं, बी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो समर सोल्स्टिस अक्योर व्हेन द अर्थ पोल हैज इट्स मैक्सिमम टिल्ट टुवर्ड द सन, ये कब होता है, जब अर्थ पोल हैज इट्स मैक्सिमम टिल्ट टुवर्ड द सन, यानी कि सूरज की तरफ ये टिल्ट होता है तभी ऐसा होता है। इट हैपेंस ट्वाइस ईयरली वंस इन ईच हेमिस्फीयर, यानी कि वर्ष में दो बार होता है, एक बार होता है उत्तरी गोलार्ध में और फिर 6 महीने के अंतराल के बाद होता है ये दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। दूसरी चीज, ड्यूरिंग द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर सोल्स्टिस विच ऑलवेज फेल्स अराउंड 21 जून, आपको पता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए बोला जाता है उस दिन आज बड़ा दिन है, है ना। तो ये सेकेंड हाफ मंथ ऑफ द जून में होता है लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आगे देख लेते हैं, इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट गेट्स विंटर सोल्स्टिस, और दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है, सर्दियों में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है जब हमारे यहाँ पर सर्दियां होती हैं उस समय पर। आगे देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला जो सवाल है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ वेटलैंड्स और लेक्स हैं और दूसरी तरफ है लोकेशन, इसमें क्या देखना है, हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। देखो इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल, जो ट्रेंड आ गया है कि हाउ मेनी पेयर्स, इसमें से कितने पेयर ऐसे हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें से कौन से पेयर ऐसे हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। सो होकेरा वेटलैंड्स पंजाब, रेणुका वेटलैंड्स हिमाचल, आपको पता है रुद्र सागर त्रिपुरा में है बिल्कुल, एंड सस्थाकोटा तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो टू पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं, देख लेते हैं टू पेयर्स यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हैं, बी हमारा सही है। सो पार्ट वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इट इज लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट हिमालय एंड बायोजोग्राफी प्रोविंस ऑफ कश्मीर, कश्मीर का जो प्रोविंस है बायोजोग्राफिकली वहां पर ये होता है और ये जो है स्नो ड्रैप्ड पीर पंचाल में है। दूसरी बात, सेकेंड पेयर जो था वो बिल्कुल करेक्टली मैच था, जो रेणुका वेटलैंड है आपको पता है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एंड इट इज अ नेचुरल वेटलैंड्स विद अ फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स एंड इनलेट सब टेरेन कार्स्ट फॉर्मेशन, ये फ्रेश वाटर एक स्प्रिंग है, ठीक है, जो रेणुका वेटलैंड है और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा भी, थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्टली मैच्ड है, रुद्र सागर लेक, आप ये बहुत चर्चा में रही है पिछले लगभग 4-5 वर्षों में, रुद्र सागर झील जो कि त्रिपुरा में है बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा इसको कंटिन्यू। देखो कौन सी चीज चर्चा में रही है नहीं रही है, क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का ट्रेंड किस टाइप के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, आपको पता है जो अपना न्यूज़पेपर का पढ़ने को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, यानी कि बीच बीच में ब्रेक कर देते हैं, जो कंटिन्यू पढ़ते हैं, मान लो आप किसी वजह से 2 दिन नहीं भी पढ़ पाए तो आप जब नेक्स्ट डे उसको शुरू करते हैं तो आप वो 2 दिन पीछे का भी न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना। कई बार होता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हम नहीं कर पाते, लेकिन हमको जब अगले दिन पढ़ना है तो पीछा वाला भी कंप्लीट करना है कि जो भी हमारा लास्ट डे का वर्क बच गया था पहले उसको कंप्लीट करना है, राइट। सो ऑल्सो नोन एज त्वेजिंगमा एंड इज लेक लोकेटेड इन द मेलाघाट त्रिपुरा इंडिया, जो रुद्र सागर झील है ये त्रिपुरा में है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैव आइडेंटिफाइड रुद्र सागर एज वन ऑफ द वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज बेस्ड ऑन इट्स डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फोर्थ जो स्टेटमेंट था वो इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्योंकि ये गलत था, क्यों, क्योंकि सस्थामाकोटा लेक जो है वो कैटेगराइज्ड एज अ वेटलैंड इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, ना कि तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में नहीं है, सस्थामाकोटा कहाँ पर है, केरला में, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है, देख लेते हैं आगे। ओके, जो अगला सवाल है वो है 2022 का, इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म
सोलर फ्लेयर्स रीचेज द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द ऑन द अर्थ। अगर ऐसा होता है कि जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं या सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, अगर वो पृथ्वी पर पहुंचते हैं, तो इनमें से कौन से प्रभाव ऐसे हैं जो कि पृथ्वी पर दिखाई देंगे। देख लेते हैं कौन से प्रभाव ऐसे हैं जो पृथ्वी पर दिखाई देंगे। जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, बिल्कुल हो सकता है। एंड सुनामी कुड अक्यूर एट इक्वेटोरियल रीजन, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा भी हो। सो क्या ऐसा हो सकता है कि इससे जो सुनामी होती है वो इक्वेटोरियल रीजन में आए, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। एंड पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, हाँ जी बिल्कुल, अगर सोलर फ्लेयर्स अर्थ पर पहुंचते हैं तो पावर ग्रिड डैमेज हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। एंड फोर्थ है इंटेंस ऑरोरास कुड ऑक्योर ओवर मच ऑफ द अर्थ, बिल्कुल इंटेंस ऑरोरा, जो ऑरोरा भरते हैं आपने देखा होगा, नॉर्दर्न ऑरोरा होता है, साउदर्न ऑरोरा होता है ना, वो काफी इंटेंसली बन सकता है अर्थ पर। सो ये स्टेटमेंट है। एंड फिफ्थ है फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, देखो सोलर फ्लेयर्स की वजह से फॉरेस्ट फायर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि जंगल में आग लग सकती है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, फिफ्थ ये गलत है। एंड सिक्स्थ हमारा स्टेटमेंट है ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, बिल्कुल सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है यानी अपनी कक्षा में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, ऑर्बिट डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरी चीज स्टार शॉर्ट वेव्स रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड, बिल्कुल जो शॉर्ट वेव्स होते हैं रेडियो कम्युनिकेशन के ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ सिक्स एंड सेवेंथ गलत, कौन सा है सेकेंड एंड सेकेंड गलत है इसमें और फिफ्थ गलत है, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, आंसर होगा सी, देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल आंसर है सी, इसको देख लेते हैं। सोलर फ्लेयर ऑक्यूर्स व्हेन मैग्नेटिक एनर्जी बिल्ट अप इन द सोलर एटमॉस्फेयर रिलीज्ड सडनली एंड द आउटबर्स आर इंट्रिक्सिवली लिंक्ड टू द सोलर साइकिल, अप्रोक्सीमेटली 11 ईयर्स ऑफ द सोलर एक्टिविटी आर ड्रिवन बाय द सन्स मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज अकॉर्डिंग टू नासा harmful radiation from flares cannot pass through the earth's atmosphere and physically affect the humans on ground, ऐसा नहीं हो सकता, ये नासा ने ऐसा बताया है कि सोलर फ्लेयर्स अर्थ एटमोसफेयर को क्रॉस कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि ग्राउंड पर जाकर के वो ह्यूमन को इफेक्ट करे, ठीक है। दूसरी चीज सोलर फ्लेयर्स इवन द इंटेंस वन डू नॉट पोज द इमीडिएट थ्रेट टू अस at least those who are within the earth atmosphere and flares are not fires but outbursts of electromagnetic radius, ye jo solar flares hote hain ye kya hota hai, ye koi aag nahi hoti hai, hai na, ye hota hai outbursts of electromagnetic radiation and thus they will not cause the forest fire, aur ye forest fire ka cause nahi hota, inse koi jungle mein aag nahi lagti hai। सो आप देखेंगे सुनामी इज द प्योरली सेस्मिक फेनोमेना, ऐसा नहीं है कि सोलर फ्लेयर्स होंगे तो उससे नॉर्दर्न इक्वेटोरियल रीजन में सुनामी आना शुरू हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। दूसरी चीज स्ट्रॉन्ग एम क्लास एंड एच क्लास सोलर फ्लेयर्स कैन ट्रिगर कोरोनल मास इजेक्शन अ लार्ज रिलीज ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन एंड द बिहेवियर कैन डिस्टर्ब अर्थ मैग्नेटोस्फेयर एंड द रिजल्ट geomagnetic storm such as the geomagnetic storm can lead to the auroras closer to the equator than is possible during the calm conditions, isliye bola tha ki jo aurora hota hai wo intentionally ho sakta hai, theek hai, uska intention zyada ho sakta hai, aage dekh lete hain isko hum log। so known as the coronal mass ejection or cme, those solar explosion propelled burst of particles and electromagnetic fluctuations into the earth atmosphere, right, so आगे आप यहाँ पर देखिए द फ्लो इम्पैक्ट वर प्रेडिक्टिव इन अप्रैल 2022 एंड ओनिंग द ह्यूज सोलर फ्लेयर्स ओवर द साउथ एशिया एंड इंडिया एक्सपेक्टेड हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन एंड ब्लैकआउट सैटेलाइट्स एनोमेलीज जीपीएस एंड एयरलाइन कम्युनिकेशन इससे इम्पैक्ट हो सकता है, जो हमने पीछे देखा था। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ even then surely wetlands function as its kidney, अगर रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो पृथ्वी के लंग्स हैं, फेफड़े हैं, तो जो वेटलैंड हैं वो बिल्कुल किडनी की तरह काम करती होंगी, ये स्टेटमेंट कहा गया है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि वेटलैंड के सही तरीके से कार्य को दर्शाता है एकदम एग्जैक्टली, ठीक है।
द वॉटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ एंड सब सॉइल एंड परकुलेशन ऑफ इवेपोरेशन, ऐसा नहीं होता है, ये गलत है. सेकेंड है, एल्गीज फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश एंड क्रस्टेशियन मॉलस्क्स बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स टाइप्स, सो ये स्टेटमेंट भी गलत है. एंड थर्ड है, वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल, यहाँ तक ठीक है, इन अ मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड द सॉइल स्टेबिलाईजेशन, नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है. एंड फोर्थ देख लेते हैं अभी हम. सो फोर्थ है, एक्वाटिक प्लेनेट एब्जॉर्ब हैवीली मेटल एंड एक्सेस द न्यूट्रिशन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन वेटलैंड रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट, सो हमारा आंसर है डी. इसमें देख लेते हैं आगे, जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं. 2022 में जो 11वां सवाल पूछा गया है ज्योग्राफी से संबंधित है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं. तो वो है, तीन स्टेटमेंट आपके सामने हैं और करना क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, देखना ये है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ फंगस, जो गुची होता है, यानी कि विद रेफरेंस टू गुची समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखो ये सवाल भी डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आया है, ये सवाल जो है, जो गुची वर्ड आया है, ये डायरेक्ट न्यूज़पेपर से आया है, आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा पढ़ने को. 2022 में पूछा गया सवाल है और न्यूज़पेपर से पूछा गया सवाल है. कई बार आपने देखा होगा जब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं कि किसी विशेष जगह पर ये प्रजाति मिली है, इस प्रजाति का कोई पौधा मिला है या फिर कोई जीव मिला है, ठीक है, तो वैसे ही गुची एक प्लांट था, है ना. अब इसमें पूछा गया ये है क्या, इट इज अ फंगस, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज एंड इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. और जब आप किसी भी चीज़ के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ आती है, कहाँ पर मिला है, किसने खोजा है, कितने वर्ष बाद मिला है, कब से रिसर्च चल रहा था, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, किस फैमिली से आता है, ठीक है, किस क्षेत्र में है, सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं. तो और वहीं से सवाल हमारे बन जाते हैं. सो ये जो क्वेश्चन है न्यूज़पेपर से आया गया है और गुची जो एक टर्म है, ये इट इज अ फंगस, जो गुची है वो फंगस है, यानी कि ये एक कवक है. दूसरी बात, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट रीजन, ये कुछ हिमालयी क्षेत्रों में ग्रो होता है, पाया जाता है, बिल्कुल सही है. एंड इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ इंडिया. तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हिमालयन फुटहिल्स में ये कमर्शियली कल्टिवेटेड होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये बस एक रेंडमली पाया गया था, ठीक है. फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी. यहाँ पर आप देख लो, ग्रोन इन फुटहिल्स ऑफ हिमालयस गुची मशरूम्स आर कोस्टल कोस्टलाइज एंड अमंग फंगाई इन द वर्ल्ड एंड दे आर नोन एज द मोरेल मशरूम्स एंड आर रेयर वेराइटी दैट कैन नॉट बी कमर्शियली कल्टिवेटेड, ये एक रेयर वेराइटी है जो कमर्शियली कल्टिवेटेड नहीं होती है, ये स्टेटमेंट सही था. एंड गुची मशरूम्स ग्रोज इन क्लस्टर्स ऑन लॉक्स and decaying woods are mostly cultivated in the parts of India like Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir. जो थर्ड स्टेटमेंट था वो था, the fresh morel mushroom season is limited to be barely few weeks in the spring and it is collected from the wild habitat northeastern Himalaya by the locals. ठीक है, so गुची जो था ये एक fungus है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है ना. आगे देख लेते हैं हम लोग, जो अगला प्रश्न है हमारा वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमको चार स्टेट दिए गए हैं और हमें देखना ये है कि इनमें से कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही है. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, इनमें से देखना है कि कितने स्टेट ऐसे हैं जो कि टी प्रोड्यूसिंग के लिए जाने जाते हैं, चाय के बागानों के लिए जाने जाते हैं. सो आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, है ना, इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जो कि जाने जाते हैं टी बागानों के लिए. सो केरला में प्लांटेशन होता है, हिमाचल प्रदेश में टी प्लांटेशन होता है और त्रिपुरा में टी प्लांटेशन होता है. तीन स्टेट्स ऐसे हैं हमारे जो कि जाने जाते हैं टी प्लांटेशन के लिए, ठीक है. सो हमारा जो यहाँ आंसर होगा वो होगा थ्री, ओनली थ्री स्टेट्स. आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक, यहाँ पर टी प्लांटेशन होता है, आंध्र प्रदेश नहीं जाना जाता है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ऑल्सो ट्रेडिशनल टी ग्रोइंग स्टेट्स, एल्बिटो इज लेस सिग्निफिकेंस एक्सटेंट. हिमाचल प्रदेश टी इज ग्रोन इन द मंडी एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ओवर एन एरिया ऑफ
एंड कांगड़ा नोन एज द वैली ऑफ गॉड्स, कांगड़ा को गॉड्स की यानी कि भगवान की घाटी, देवों की घाटी कहा जाता है, विद एंड इट इज फेमस और इट डिस्टिंग फ्लेवर्ड टी एंड त्रिपुरा इज कैटेगराइज द ट्रेडिशनल ट्री ग्रोइंग स्टेट्स विच अबाउट 54 टी स्टेट्स यहाँ पर हैं। आगे देख लेते हैं हम इसको। ओके आज का हमारा जो अगला प्रश्न है जो कि 2022 में पूछा गया है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स एंड आपको यहाँ पर चार पेयर्स दिए गए हैं, एक तरफ है रिजर्वायर, दूसरे तरफ है अर्थ, और इसमें देखना क्या है, अगेन इसमें भी यही देखना है कि इनमें से कितने पेयर ऐसे हैं जो कि सही हैं। सही पेयर हमको यहाँ पर से देखने हैं। सो घाट प्रभा तेलंगाना एंड गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश एंड मिथुन छत्तीसगढ़, है ना। हमें क्या देखना है कि यहाँ पर हमारे कौन से पेयर ऐसे, कितने पेयर ऐसे हैं जो सही हैं। तो यहाँ पर जो सही पेयर है हमारे वो है दो, दो पेयर हमारे यहाँ पर सही है, ठीक है, बी इसका आंसर होगा, दो पेयर हमारे यहाँ पर सही है। देख लेते हैं। सो राज लक्ष्मण कोंडा डैम ऑल्सो नोन एज हिडकल डैम एंड कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस घाट प्रभा रीजन इन द कृष्णा रिवर बेसिन एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हिडकल रिवर एंड जो सेकंड पेयर है हमारा करेक्टली मैच्ड है वो है गांधी सागर डैम इज द मैंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी जो गांधी सागर डैम है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और कहाँ पर, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। एक और चीज, हमने कई बार ये गांधी सागर डैम के बारे में पढ़ा है, अभी हमारी जो वीकली क्लासेस होती थी एमसीक्यूज की, इंदिरा सागर डैम के बारे में हम लोग पढ़ते थे, चंबल नदी पर बनने वाले डैम्स के बारे में लगभग 3 क्लास में हमने सवाल डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द चंबल रिवर, यानी कि ये जो डैम है ये चंबल नदी पर है। जो घाट प्रभा डैम था वो था हिडकल डैम, है ना, घाट प्रवाह जो डैम है वो है कृष्णा नदी पर। आगे देख लेते हैं। और ये था कहाँ पर, कर्नाटका में, ना कि ये तेलंगाना में था। घाट प्रभा डैम 2022 में पूछा गया सवाल है और ये चर्चा में भी रहा था बहुत ज्यादा। आगे देख लेते हैं। जो तीसरा पेयर है वो गलत है, करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि इंदिरा सागर जो डैम है इट इज द टर्म्स वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वायर, यानी लार्जेस्ट डैम है इन वॉल्यूम ऑफ वाटर के संदर्भ में, यहाँ पे पानी जो स्टोर होता है वो सबसे ज्यादा स्टोर होता है इंदिरा सागर डैम में। दूसरी बात, इट इज लोकेटेड इन द नर्मदा रिवर, अ टाउन ऑफ द नर्मदा नगर, नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर डैम, नर्मदा रिवर टावर है, ये पुनासा यहाँ पर है, पुनासा इन द खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, नर्मदा वैली में ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट। एंड जो फोर्थ पेयर था वो करेक्टली मैच था। जो मिथुन डैम है वो था कहाँ पर, वो था बाराकार नदी पर छत्तीसगढ़ में। सो घाट प्रवाह कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इंदिरा सागर कहाँ पर है, इंदिरा सागर डैम है, इंदिरा सागर जो डैम है वो है नर्मदा नदी पर, ठीक है। दूसरा है करेक्टली मैथोन डैम, मैथोन डैम कहाँ पर है, मैथोन डैम है बाराकार नदी पर, मैथोन डैम 48 किलोमीटर कोल सिटी ऑफ द धनबाद झारखंड। आगे देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है, जो फोर्थ 14th क्वेश्चन है 2022 में जो पूछा गया है, जो अगला प्रश्न है वो है विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड, यानी कि टी बोर्ड के बारे में पूछा जा रहा है। एंड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा जा रहा है टी बोर्ड के बारे में। सो द टी बोर्ड इज स्टेट्यूटरी बॉडी, बिल्कुल। देखो कई बार सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बोर्ड्स के बारे में, कमेटीज के बारे में, कि ये किस तरीके की बॉडी है ना, स्टेट्यूटरी है, लीगल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कई बार कुछ कमेटीज के बारे में पूछा जाता है कि इनका चेयरमैन कौन है, कितने सदस्यों की ये कमेटी है, किस पर्पज के लिए बनी थी, इनकी रिकमेंडेशन क्या है, ये भी पूछता है। दूसरी चीज, जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है तो उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछता है, किस एक्ट के अंतर्गत ये बने थे उसके बारे में पूछता है, कब बने थे, कहाँ पर बने थे, है ना, ये सारी चीजें पूछ लेता है, कई बार उनका मोटो पूछ लेता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सो ये स्टेटमेंट है गलत, सेकेंड स्टेटमेंट गलत है रिगार्ड्स टू टी बोर्ड। एंड थर्ड स्टेटमेंट है द टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, बिल्कुल गलत बात है, टी बोर्ड का हेड ऑफिस बेंगलुरु में नहीं है। और एंड फोर्थ स्टेटमेंट है द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस एज दुबई एंड मॉस्को, बिल्कुल, ये जो बोर्ड है टी बोर्ड इसके ओवरसीज ऑफिस भी है जो दुबई में भी है, मॉस्को में भी है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड वॉज रॉन्ग, देख लेते हैं, डी स्टेटमेंट हमारा सही है।
सो जेनेसिस ऑफ टी बोर्ड इंडिया डेट्स बैक 1903। अब आपको ये पता चल गया होगा कि अगर 1903 में ये बना था तो उस समय अगर आप हिस्ट्री से इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर कौन जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। वेन द इंडियन टी सैस बिल वॉज पास्ड एंड द प्रेजेंट टी बोर्ड सेटअप अंडर सेक्शन 4 ऑफ द टी एक्ट 1953 वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड 1 अप्रैल 1954। इट हैज सक्सीडेड द सेंट्रल टी बोर्ड एंड इंडियन टी लीचिंग कमेटी लाइसेंसिंग कमेटी विच फंक्शन रिस्पेक्टेड अंडर द सेंट्रल टी बोर्ड एक्ट 1949 एंड द इंडियन टी कंट्रोल एक्ट 1938 विच वॉज रिपील्ड। एक्टिविटीज ऑफ टू प्रीवियस बॉडीज हैड बीन कन्फाइंड लार्जली रेगुलेशन ऑफ टी कल्टिवेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ टी रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल टी अग्रीमेंट देन फोर्स टू प्रमोशन ऑफ द टी कंजप्शन। ठीक है, सो जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड वाज नॉट करेक्ट। प्रेजेंट टी बोर्ड फंक्शनिंग एज अ स्टेटूटरी बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और वहां पे क्या हो रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर में आता है जो टी बोर्ड है वो एक स्टेटूटरी बॉडी है। अगर मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। ठीक है, दूसरी चीज, बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड 31 मेंबर्स। ये जो टी बोर्ड है इसमें कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य हैं, 31 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन, और इसका एक चेयरमैन भी होता है, यानी 30+1, 30 इसके सदस्य होते हैं, एक होता है इसका चेयरमैन, हो गए 31। ठीक है, दूसरी चीज, ड्रॉन फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टी प्रोड्यूसर्स टी ट्रेडर्स एंड टी ब्रोकर्स कंज्यूमर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड ट्रेड यूनियन। द बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी थ्री ईयर। ये जो बोर्ड बनता है ये 3 साल के लिए बनता है, हर 3 साल पे फिर दोबारा से बनता है। ठीक है, तो आपके लिए स्टेटमेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि जो टी बोर्ड होता है स्टेटूटरी बॉडी है, दूसरी बात मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, इसमें 30 सदस्य और एक चेयरमैन 31 सदस्य होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये हर 3 वर्ष के अंतराल पर बनता है। और स्टेटमेंट थर्ड गलत था, क्यों? क्योंकि इसका जो हेड ऑफिस है वो है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, बेंगलुरु में नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में इसका हेड क्वार्टर है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपको पता है करेक्ट ही था क्योंकि इसके ओवरसीज हेड ऑफिस भी हैं, दुबई एंड मॉस्को। आगे देख लेते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, जो अगला सवाल है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। क्या देखना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हमें ये देखना है। सो High clouds primarily reflect solar radiations and cool the surface of earth. ये statement बिल्कुल गलत है ना। दूसरा है, low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and then cause the warming effect. So ये statement भी हमारा गलत है। अभी हम देख लेते हैं कि क्यों गलत है। Answer है D. First statement गलत है, क्यों? क्योंकि low thick clouds, जो लो नीचे और थिक क्लाउड्स होते हैं, प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि हाई थिन क्लाउड्स प्राइमरली ट्रांसमिट्स इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, एट द सेम टाइम दे ट्रैप सम ऑफ द आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन एंड एमिटेड बाय अर्थ एंड रेडिएट इट बैक टुवर्ड्स एंड देयर बाय वार्मिंग द सरफेस ऑन द अर्थ। यानी दोनों जो स्टेटमेंट थे, ये जो स्टेटमेंट है दोनों ये इंटरचेंज स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है दोनों इंटरचेंज स्टेटमेंट है। आगे देख लेते हैं हम इसको। ओके, अभी हम देख लेते हैं हमारा जो अगला सवाल है, 16 2022 में पूछा गया सवाल है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। देखना क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सो बीडी बीडी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन अ नॉर्थ वेस्ट केन्या। क्या ये नॉर्दर्न वेस्टर्न केन्या का रेफ्यूजी सेटलमेंट है सबसे बड़ा? बीडी बीडी। सो ये स्टेटमेंट है गलत, ऐसा नहीं है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान एंड सिविल वॉर लाइव एंड बीडी बीडी, बिल्कुल सही बात है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दाबेद रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। हाँ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। So, हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट है गलत, आंसर है सी। यहाँ पर देखिए, विधि विधि रेफ्यूजी सेटलमेंट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न नाइल एरिया ऑफ युगांडा, केन्या नहीं बल्कि वेस्टर्न नाइल एरिया ऑफ युगांडा, एंड होम टू ओवर
एंड साउथ सूडान रेफ्यूजी द सेकेंड लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट इन द वर्ल्ड. ये सेकेंड सेकेंड लार्जेस्ट रेफ्यूजी कैंप है वर्ल्ड में. दूसरी बात, विधि विधि एरिया वॉज ए स्मॉल विलेज बिफोर द कमिंग रेफ्यूजी सेटलमेंट विच वॉज ओपन इन अगस्त 2016. सिंस देन युगांडा गवर्नमेंट एंड अदर एनजीओज हैव वर्क टू क्रिएट अ सेटलमेंट रेदर देन अ कैंप टू होस्ट कंटेंट. इनफैक्ट द ग्रोइंग एंड नंबर्स ऑफ द असाइलम सीकर्स फ्रॉम द साउथ सूडान. ठीक है, आगे देख लेते हैं. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज नॉट करेक्ट, एंड सेकेंड इज करेक्ट. सो दावेद रेफ्यूजी कैंप इज लोकेटेड इन दावेद केन्या एंड फर्स्ट कैंप वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1991 एंड रेफ्यूजी फ्लेइंग सिविल वॉर इन सोमालिया. राइट, सेकेंड लार्ज इन्फ्लुएक्स ऑक्यूर्स इन 2011 व्हेन सम 130,000 रेफ्यूजीज अराइव फ्लेइंग ड्रॉट फेमिनाइन इन साउथ सोमालिया. ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तीन स्टेटमेंट हमारे सामने हैं एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. क्या देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हमें उसके बारे में जानना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. हाउ मेनी विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. सो गुजरात है द लार्जेस्ट, सो गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया. आपको अगर ये सवाल याद होगा तो मैंने भी अपने एक क्लास में या एक तरीके का एक सवाल कराया है कि भारत के सोलर एनर्जी से रिलेटेड, और तभी मैंने ये भी बताया था कि कौन सा स्टेट ऐसा है भारत में जो लार्जेस्ट सोलर पार्क यहाँ पर है. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. जिन भी लोगों ने वो क्लास की है वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आराम से. एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, केरला हैज अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इतना ज्यादा चर्चा में था न्यूज़पेपर में, इतना चर्चा में ये रहता है बहुत ज्यादा. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया. ये स्टेटमेंट भी गलत है. अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट क्यों गलत है. आगे हम लोग देख लेते हैं. सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, आंसर है हमारा बी. आगे देखते हैं, बादला सोलर पार्क. देखो पहला स्टेटमेंट क्यों गलत था, बादला सोलर पार्क है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, भारत में है. कहाँ पर है ये, राजस्थान में है. ठीक है, और यहाँ पर लगभग 14,000 एकड़ है, बादला गांव पड़ता है. और ये कहाँ पर है, अगर जिले की बात करते हैं तो राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है. सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही था, केरला कोचीन इंटरनेशनल, केरल का जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इट इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड दैट वुड बी रनिंग फुली ऑन सोलर पावर. कोचीन एयरपोर्ट केरल में है और ये विश्व का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि फुली सोलर पावर से ये चलता है. ठीक है, ऑपरेटेड है. दूसरी बात, कोचीन एयरपोर्ट बिकम फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी बैक इन 2015 आफ्टर इट स्टार्टेड ड्रॉइंग पावर आर डेडिकेटेड सोलर प्लांट्स एंड 15 मेगावाट फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन बिल्ट बाय कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. आगे देख लेते हैं, एन एंटरप्रेन्योरियल विजन बोर्न द एयरपोर्ट इन 18 और इस एयरपोर्ट ने 2018 में एंटरप्रेन्योरियल विजन अवार्ड भी जीता है. ठीक है, दूसरी चीज, इट मच कोवेटेड कैंपेन ऑफ ई अर्थ अवार्ड एंड विच इज द हाइएस्ट एनवायरमेंट ऑनर ग्रांटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस. जो थर्ड स्टेटमेंट था वो क्यों गलत था उसके बारे में भी देख लेते हैं. सो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड has successfully commissioned India's largest floating solar power plants located in NTPC Sangri in the Andhra Pradesh. और ये है आंध्र प्रदेश में, 25 मेगावाट का ये SPV projects है, cover an area of 100 acres. ये किसने बनाया है, ये बनाया है भेल ने, भावर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ये बनाया है और आंध्र प्रदेश में है, 100 acre के एरिया में फैला हुआ है. ठीक है, आगे देख लेते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में जो पूछा गया सवाल है वो है, 18वां जो प्रश्न है 2022 में पूछा गया सवाल है, विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के बारे में और इसके संदर्भ में तीन स्टेटमेंट हमारे सामने हैं. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है. देख लेते हैं, अ कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी एट द लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स
एंड मेजर्ड फ्रॉम बेस लाइन डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन। आपने ये बिल्कुल पढ़ा होगा कि जो टेरिटोरियल लाइन होती है किसी भी देश की, वो 12 नॉटिकल माइल्स होती है। ठीक है, जब आपने ओशनोग्राफी को पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा। आगे देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, शिप्स ऑफ ऑल स्टेट्स वेदर कोस्टल और लैंड लॉक एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पासिस थ्रू द टेरिटोरियल सी। यानी किसी भी राज्य के शिप हो वो अपने टेरिटोरियल बाउंड्री को एंजॉय करते हैं जब बात आती है सी की, समुद्र की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ शेल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच ऑफ द ब्रेथ एंड टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड। यानी जो EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल से आगे नहीं होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 200 नॉटिकल माइल तक ही होता है। ठीक है, तो ये सारे मेजरमेंट्स आपने पढ़े होंगे। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आंसर होगा इसका डी। देख लेते हैं आगे। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी अनक्लॉस, इसको बोलते हैं शॉर्ट में, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एस्टैब्लिश्ड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मरीन एंड द मैरीटाइम एक्टिविटीज। जितनी भी मरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज होती हैं उनसे संबंधित जो भी लॉज बनते हैं वो अनक्लॉस ही बनाता है, और ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। एवरी स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी अप द लिमिट एंड नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल्स measured from baseline determined accordance with this convention. So first statement ठीक है, and second है subject to this convention, ships of all states whether the coastal or the landlocked enjoy their territorial boundaries, right? An exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट भी। आगे देख लेते हैं, जो नेक्स्ट सवाल है जो 2022 में पूछा गया है, 19वां सवाल, वो है Which of one of the following statements best reflect the issue with the Senkaku Island? यानी कि ये पूछ रहा है सेंकोकू आइलैंड के बारे में, sometimes mentioned in news, यानी कि कभी कभी क्या होता है सेंकोकू आइलैंड के बारे में न्यूज में कुछ कुछ चीजें आती रहती है, तो उसी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। चार स्टेटमेंट है, देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इट इज जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाई कंट्री अलॉन्ग द साउथ चाइना सी। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। China and Japan engage in maritime disputes over these island and East China Sea. बिल्कुल, East China Sea में ये जो सेंकेकू आइलैंड है, चाइना और जापान दोनों के बीच में डिस्प्यूट है इस आइलैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, और इसमें से पूछना क्या था, इसमें पूछना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको सही आंसर अपना मिल गया है। तो आंसर है इसका बी। देख लेते हैं, आंसर है इसका बी। सेंकेकू आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ अनहैबिटेटेड आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये ईस्ट चाइना सी में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यानी कि कई सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। एंड दे आर नोन एज मेनलैंड चाइना एज द दियाओ आइलैंड। द आइलैंड आर फोकस ऑफ अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन जापान एंड चाइना। और ये जो डिस्प्यूट है इनके बीच में, दो देश है, कौन सा, जापान और चाइना, इन दोनों देशों के का डिस्प्यूट है सेंकेकू आइलैंड के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज, चाइना क्लेम्स द डिस्कवरी एंड ओनरशिप ऑफ द आइलैंड्स फ्रॉम 14th century विद व्हाइल जापान मेंटेन्ड ओनरशिप ऑफ दिस आइलैंड फ्रॉम 1895 अंटिल द सरेंडर एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो इसलिए ये जो ऑप्शन था हमारा, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही था। जापान और चाइना की इस पर डिस्प्यूट चलता है सेंकेकू आइलैंड, और ये पड़ता है ईस्ट चाइना सी में, राइट। आगे देख लेते हैं, जो नेक्स्ट सवाल है वो है 2022 में जो पूछा गया है। देखो 2022 में 20 सवाल आए हैं ज्योग्राफी, 21 सवाल आए थे ज्योग्राफी से, अगर आपने ट्रेंड देखा है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं 2021 की, हमने सवाल यहाँ पर डिस्कस किए। ज्योग्राफी से लगभग 12 सवाल आए थे, फिर 22 में लगभग 21 सवाल आए हैं, 23 में फिर लगभग 12-13 सवाल आए थे, है ना। तो ट्रेंड जो होता है ना वो इसके बीच में रहता है, तो काफी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी का। देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और इसमें देखना हमें यह है कि एक कंट्रीज इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द बींग इन न्यूज, कि देश है उनसे संबंधित कुछ क्षेत्र हैं जो कि लगातार चर्चा में बने हैं, उनके बारे में देखना है। एंड हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, देखना क्या है कि इनमें से कौन से पेयर ऐसे, कितने पेयर ऐसे हैं जो कि करेक्टली मैच्ड हैं। सो चार्ट सेटिंग अप ऑफ द परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना
and Guinea, suspension of constitution and government by military, Lebanon, severe and prolonged economic depression, Tunisia, suspension of parliament by president. So, first statement sahi hai, second, third and fourth statement ye galat hai. To kitne statement yahan correctly matched hai, ye pooch raha hai. यहाँ पर है थ्री पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी. आंसर है सी. देख लेते हैं. सो देयर आर रिक्यूरिंग क्लेम्स दैट चाइना इज बिल्डिंग अटेम्प्टिंग क्रिएट अ स्टीयरिंग मिलिट्री बेस अराउंड द वर्ल्ड एंड अर्ली दिसंबर 2021. सो मीडिया रिपोर्ट्स अलेक्ट दैट चाइना वाज ट्राइंग टू बिल्ड फर्स्ट अटलांटिक मिलिट्री बेस इन इक्वेटोरियल गिनी. सो हैज पेयर. ओके. सो ये जो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट था ये गलत था, है ना. फोर्थ स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन हाँ तीन पेयर हमारे सही है. देख लेते हैं जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर. ऑन 5th सितंबर 2021 प्रेसिडेंट ऑफ गिनी वॉज कैप्चर्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस. यहाँ पर आप इसको दोबारा क्लियर कर लो. ये स्टेटमेंट है गलत. एंड ट्यूनिशिया सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट का सस्पेंशन किसने अनाउंस किया था? ट्यूनिशिया के प्रेसिडेंट ने किया था, है ना. ये स्टेटमेंट है सही. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है. ये स्टेटमेंट हमारा सही है. सो तीन पेयर सही है. यहाँ देख लेते हैं. अफ्रीकन यूनियन डिक्लेयर्ड दैट द सस्पेंशन ऑफ गिनीज मेंबरशिप इन ब्लॉक आफ्टर अ मिलिट्री एंड जुंटा आफ्टर द गवर्नमेंट. अकॉर्डिंग द वर्ल्ड बैंक लेबनान इकोनॉमिक मॉनिटर एंड द लेबनान इज सफरिंग फ्रॉम द डेंजरस डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ह्यूमन कैपिटल ब्रेन ड्रेन बिकमिंग डिक्रीजिंग डेस्परेट ऑप्शन. ब्रेन ड्रेन आपको पता है क्या होता है. ब्रेन ड्रेन थ्योरी बहुत दिनों से चली आ रही है और लगातार चर्चा में रहती है ना. जब लोग पढ़ लिख करके एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं तो क्या होता है, वहां के लिए काम करते हैं तो विकास वहां पर होता है, है ना. पिछले वर्षों में ये हमारे गवर्नमेंट ने भी चर्चा में रखा था कि जो भी लोग पढ़ लिख कर बाहर जा रहे हैं उनको अच्छे रिसोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड किए जाए ताकि वो अपने देश के लिए काम कर सके. अच्छा, है ना. तो जो अच्छा ब्रेन होता है उसको वापस लाया जाए तो ब्रेन ड्रेन इसको बोला जाता है. वर्ल्ड बैंक आल्सो सेड दैट लेबनान इज इन डेलिबरेट डिप्रेशन विद अनप्रेसिडेंटेड कॉन्सिक्वेंसेस इट्स ह्यूमन कैपिटल स्टेबिलिटी एंड द प्रोस्पेरिटी. सो थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही था. इन जुलाई 2021 प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनिशिया अनाउंस्ड द सस्पेंशन ऑफ ट्यूनिशियाज पार्लियामेंट, है ना. एंड प्राइम मिनिस्टर द फाइव प्राइम मिनिस्टर हाइथमैन मेनानी एंड कैबिनेट. जो फोर्थ स्टेटमेंट था वो भी सही था. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था. चार्ट वाला गलत स्टेटमेंट था. आगे देख लेते हैं. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 का पूछा गया, ये आखिरी सवाल है. 21 सवाल आए थे 2022 में. तो वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन इसमें भी क्या पूछा है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. आप देख रहे हैं कितने पेयर्स इसमें करेक्टली मैच्ड है ये पूछा जा रहा है. सो एंटोलिया टर्की, अमराहा इथोपिया एंड काबो डेलग्रो स्पेन एंड कैटालोनिया इटली, ठीक है. तो इसमें कितने आपके जो रीजन फॉर मेंशन इन द न्यूज आर करेक्टली मैच्ड. तो इसमें दो पेयर ऐसे हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं. टू पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. आगे यहाँ पर देख लेते हैं. एंटोलिया इज द पेनिनसुला लैंड दैट द एशियन पोर्शन ऑफ टर्की. सो एंड बिकॉज इट्स लोकेशन द पॉइंट वेयर कॉन्टिनेंट एशिया एंड यूरोप मीट, जहां पर एशिया और यूरोप मिलते हैं टर्की में, वहां पर ये क्षेत्र है एंटोलिया, ठीक है. ये न्यूज में रहता है. जब आपने वर्ल्ड मैपिंग की होगी तो यहाँ पर भी ये देखा होगा, पढ़ा होगा. फ्रॉम बिगिनिंग कल्टिवेशन एंड क्रॉस रोड्स फॉर द न्यूमेरियस पीपल्स एंड द माइग्रेटिंग फॉर कॉन्सिक्वेंसेज फ्रॉम द ईदर कंटेंट. सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो करेक्ट था. एंटोलिया कहाँ पर है? एंटोलिया है टर्की में. एंड अमरोहा रीजन कहाँ पर है? सो ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ इथोपिया. अमरोहा है इथोपिया में. एंड अमरोहा इज द साइट ऑफ लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर इन इथोपिया, लेक टाना. एंड अमरोहा रीजन इज मेंशन्ड इन द न्यूज ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग अरोमो एंड अमरोहा. इस वजह से ये था इथोपिया में, बहुत चर्चा में था न्यूज में, इसलिए दूसरा पेयर भी करेक्टली मैच्ड. फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्टली मैच्ड. एंड कोबो डेलिग्रेट्स एंड नॉर्थन डेलगाडो आर द नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस ऑफ मोजाम्बिक. ये मोजाम्बिक में था. वॉज इट न्यूज बिकॉज मोजाम्बिक अल्फ हब एक्सट्रीम्स ग्रुप. ये मोजाम्बिक का एक एक्सट्रीम ग्रुप हैज बीन कैरिंग आउट अटैक्स इन द कंट्रीज मोस्ट नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ कोबो डेलिग्रेडो इन सिंस 2017, ठीक है. एंड कैटालोनिया ऑक्यूपाई द ट्रैंगुलर एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ स्पेस. ये नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ स्पेस में कैटालोनिया एक जगह है, ये वहां का है, ठीक है. आगे देख लेते हैं.
अभी हम शुरू करेंगे 2023 के सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 के सवाल, देखेंगे कि इसमें कितने सवाल पूछे गए हैं। आपने पेपर एनालिसिस किया होगा, आपने देखा होगा लगभग 10 से 12 सवाल वहां पर पूछे गए हैं, तो देखते हैं और शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट सवाल 2023 में आया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। इनमें से कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही है। सो झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोलेरू लेक्स, एंड मैंडर ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, ठीक है। सो झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोलेरू लेक्स, एंड मैंडर ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड द कन्वर लेक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दो पेयर हमारे यहाँ पर सही है। देख लेते हैं आगे बी। बोल्डर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट इज लोकेटेड एट द नॉर्थ एंड ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट श्रीनगर। द लेक कवर्स एन एरिया एंड 189 स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग द मानसून सीजन, बट इट कैन श्रिंक्स एज स्मॉल एज 30 स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, एंड झेलम रिवर फ्लोज थ्रू द लेक, एंड द लेक कंट्रोल्स फ्लो ओवर द, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ठीक है। सो कोलेरू लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश, एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा अबाउट 15 किलोमीटर अवे एंड एरू, एंड रिवर द लेक कवर्स एरिया ऑफ 245 एंड स्क्वायर किलोमीटर ड्यूरिंग द मानसून सीजन, बट श्रिंक्स, एंड कृष्णा रिवर डज नॉट डायरेक्टली फीड कोलेरू रिवर हिल्स। हाँ, कृष्णा नदी डायरेक्टली फीड नहीं करती है, ठीक है। कृष्णा नदी डायरेक्टली फीड नहीं करती है कोलेरू रिवर को। सो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट था ये था गलत, सेकंड स्टेटमेंट गलत था और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन हमारे दो ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देख लेते हैं हम इसको। हमारा जो दूसरा सवाल है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन, पोर्ट्स एंड वेल नोन, हाउ मेनी ऑफ द पोर्ट्स पेयर आर करेक्टली मैच्ड। देखना यह है कि इनमें से कितने पेयर ऐसे हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं। सबसे पहला है कामराजन पोर्ट, सो फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, एंड दूसरा है मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। सो कामराजन पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड दूसरा पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, और इसको अदानी पोर्ट चलाते हैं, है ना। लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड है मुंद्रा पोर्ट, और ये पहला प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है जो मुंद्रा पोर्ट है। दूसरी चीज है विशाखापट्टनम पोर्ट, सो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया भी कामराजन पोर्ट है ना। आगे देख लेते हैं, दो स्टेटमेंट हमारे सही है, सो इसमें से दो पेयर हमारे सही है, ओनली टू पेयर आर करेक्टली मैच्ड। यहां पर आप देखिए, फर्स्ट कामराजन पोर्ट लोकेटेड इन द कोरोमंडल कोस्ट अबाउट 24 किलोमीटर एंड नॉर्थ चेन्नई पोर्ट, एंड 12th मेजर पोर्ट है ये भारत का, पहली बार। दूसरी चीज, इन द फर्स्ट पोर्ट ऑफ इंडिया विच इज अ पब्लिक कंपनी, जो कामराजन पोर्ट है ये पब्लिक कंपनी यानी एज अ कंपनी रजिस्टर्ड किया गया, ये पहला पोर्ट है। एंड कामराजन पोर्ट इज ओनली कॉर्पोराइज फॉर मेजर पोर्ट एंड रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है एंड टोटली। सो सेकंड है मुंद्रा पोर्ट इज अ लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट इन इंडिया, द पोर्ट ऑफ मुंद्रा पोर्ट इज लोकेटेड नॉर्थ कोस्ट एंड गल्फ ऑफ कक्ष। जो मुंद्रा पोर्ट इज अ हब ऑफ कंटेनर्स एंड बल्क कार्गो, है ना। आगे देख लेते हैं हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत था, क्योंकि जेएनपीटी, जो जेएनपीटी है वो लार्जेस्ट पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट है, कामराजन पोर्ट भी कंटेनर पोर्ट है भारत में, है ना। आगे देख लेते हैं, ओके। सो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और देखना क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसीडियस ट्रीज, इनमें से कौन से पेड़ ऐसे हैं जो कि डेसीडियस पेड़ ट्रीज हैं। सो देख लेते हैं, जैक फ्रूट एंड महुआ एंड टी। जो जैकफ्रूट होता है अगर आपने पढ़ा है, सो महुआ एंड टीक तो इसमें है डेसीडियस फॉरेस्ट, यानी टू पेयर इसमें ऐसे हैं जो करेक्टली मैच्ड है, ओनली टू। आपको पता होगा जो जैकफ्रूट होता है ना, वो एवरग्रीन ट्री है, सदाबहार पेड़ है, लेकिन महुआ और टीक जो होते हैं वो डेसीडियस पर्णपाती पेड़ होते हैं। आपको पता है महुआ के पत्ते भी झड़ते हैं, सदाबहार का मतलब होता है जिस पर पत्तियां हमेशा बनी रहती हैं। आगे देख लेते हो, आंसर है इसका बी।
डेसीडियस ट्रीज आर ट्रीज दैट लॉस देयर लीव्स सीजनली, यानी कि ये सीजन मौसम के अनुसार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, फिर नई पत्तियां आती हैं उसके सीजन के हिसाब से। लेकिन सदाबहार एवरग्रीन का मतलब होता है कि हमेशा हरा भरा रहना, तो जो जैकफ्रूट होता है वो हमेशा ग्रीन रहता है, हरा भरा रहता है। आगे देख लेते हैं, दे आर फाउंड इन द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड। डेसीडियस ट्रीज हैव द ब्रॉड फ्लैट लीव्स एंड कैच द अलॉट लाइट एंड एक्वायर ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर। इंडिया हैज अ रिच बायो डाइवर्सिटी इन डेसीडियस ट्रीज विद ओवर 2000 स्पीसीज फाउंड अक्रॉस द कंट्री। जैकफ्रूट की बात है आप करते हैं यहाँ पर, आपको ये तो पता चल गया कि महुआ और टीक जो होते हैं वो डेसीडियस ट्रीज होते हैं, लेकिन जो जैकफ्रूट है इज ए एवरग्रीन ट्री विच मीन्स दे रिटेन देयर लीव्स एंड थ्रू आउट द ईयर एंड डू नॉट शेड देम सीजनली। ठीक है, सो पॉइंट वन इज नॉट करेक्ट, जैकफ्रूट जो था वो एवरग्रीन ट्री है, डेसीडियस ट्री नहीं है। महुआ और टीक डेसीडियस ट्री है, महुआ एंड ट्री आर डेसीडियस ट्री। आगे देख लेते हैं, जो हमारा अगला सवाल है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही है। सो इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना, एंड सेकेंड है द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन दैट इज चाइना। ठीक है, सो इसमें इंडिया हैज द मोर एरेबल एरिया देन चाइना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एंड प्रोपोर्शन फॉर इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया कंपेयर टू चाइना, क्योंकि वहां पर क्या है कि हिली एरिया ज्यादा है। ठीक है, सो द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इंडियन एग्रीकल्चर देन द चाइना। सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, दो स्टेटमेंट हमारे सही है, ओनली टू देख लेते हैं यहाँ पर। ओनली टू, एरेबल लैंड प्लोग और टिल्टेड रेगुलरली, इंडिया हैज द मोस्ट एरेबल लैंड इन द वर्ल्ड। केवल भारत में ही, चाइना से ही नहीं, बल्कि चाइना से ही नहीं और भी देशों से ज्यादा, यानी विश्व में सबसे ज्यादा एरेबल लैंड जो है वो भारत में है। ठीक है, सो इंडिया हैज द यूनाइटेड स्टेट्स अकाउंट रफली 22% ऑफ द वर्ल्ड एरेबल लैंड एंड इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरेबल लैंड कंट्री। आगे देख लेते हैं, जो अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स ऑन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्स लैंड। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल, इनमें से ये जो चार एग्जाम्पल है इनमें से कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है टू रिपीटेड फेल्स इन द सी लेवल, समुद्र के लेवल में, एंड गिविंग अप राइज इन प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्स लैंड, जिससे कि जो लगातार क्या हो रहा है प्रेजेंट डे में एक्सटेंसिवली मार्स लैंड जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और इनमें से कौन सा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, सो देख लेते हैं कि इसमें से आंसर हमारा कौन सा होगा, भितरकनिका मैंग्रोव्स एंड मकरन सॉल्ट पेंस, नौपाडा स्वैम्प एंड रन ऑफ कक्ष। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है रन ऑफ कक्ष। आपको पता है कितना बड़ा एरिया है जो मार्स लैंड, और लगातार क्या हो रहा है वो राइज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आगे देख लेते हैं, आंसर है हमारा डी। सो रन ऑफ कक्ष इज अ वास्ट सॉल्ट मार्स लोकेटेड इन द थार डेजर्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के थार डेजर्ट में है, एंड इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिक इकोसिस्टम एंड कैरेक्टराइज बाय एक्सटेंसिव मार्सी एरिया। सो द रीजन हैज एक्सपीरियंस्ड मल्टीपल साइकिल ऑफ सी लेवल फ्लक्चुएशन ओवर द टाइम एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मार्शल लैंड इन प्रेजेंट डे। द रन वॉज वंस अ शैलो पार्ट ऑफ अरेबियन सी अंटिल द जियोलॉजिकल शिफ्ट क्लोज टू एंड ऑफ द कनेक्शन विद सी। द रीजन बिकम अ सेकेंड मार्शी सॉल्ट एंड डेजर्ट ओवर द ईयर्स ड्यूरिंग मौसम्स। द रीजन फिल अप द वॉटर एंड फॉर्म्स द वेटलैंड इन द समर एंड वॉटर ड्राइज टू क्रिएट द बेड एंड व्हाइट सॉल्टी लैंड। ठीक है, क्योंकि आपको पता है व्हाइट सॉल्टी लैंड मतलब यहाँ पर सफेद जो नमक होता है वो सबसे ज्यादा होता है गुजरात में, है ना, रन ऑफ कच्छ में सबसे ज्यादा होता है, आपको पता होगा इसका। और हमने ये सवाल भी किया है अपने एमसीक्यूज वाली, आप देखना आपने अगर रेगुलर एमसीक्यूज के सवाल किए ना आपको वहां से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये 2023 में पूछा गया सवाल है, वो है एलेनाइट एंड रुटाइल अबेंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया आर रिच एंड सोर्स ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। एलेनाइट एंड रुटाइल अबेंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया एज रिच सोर्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, अल्मोनियम, कॉपर, आयरन और है टाइटेरियम। सो इसमें से है ये टाइटेरियम, आंसर है इसका टाइटेरियम। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंड आपके पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं इसमें से जो कि सही है। सो देख लेते हैं, अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। देखो हमने विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, सह्याद्री, हमने इन सारी पहाड़ियों के बारे में पढ़ा है, मैंने मैपिंग से भी आपको समझाया है। आप प्रीवियस से क्वेश्चंस भी देखेंगे ना, अपने क्लास अगर सॉल्व की है, रेगुलर अटेंड की है, तो वहां से भी आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो अमरकंटक हिल्स आर एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज, गलत स्टेटमेंट है। एंड सेकेंड है बिलिग्रहंगम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुड़ा रेंज, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि ये सतपुड़ा रेंज में, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज में पाया जाता है। सतपुड़ा में तो है लेकिन ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देख लेते हैं, सेसल थेलम कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये स्टेटमेंट भी गलत है। कौन सा सही है इनमें से, तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं, आंसर होगा डी, आंसर होगा हमारा डी। आगे देख लेते हैं, अमरकंटक इज अ पिलग्रिम टाउन लोकेटेड इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंडिया एंड इट इज नोन फॉर बीइंग द सोर्स ऑफ नर्मदा रिवर। अमरकंटक नर्मदा रिवर के लिए जाना जाता है, नर्मदा नदी के लिए जाना जाता है, एंड महानदी सोन रिवर्स, इट इज लोकेटेड इन सदर्न साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, सो स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट, इसलिए स्टेटमेंट हमारा गलत था जो फर्स्ट स्टेटमेंट था। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है बिलिग्रहंगम हिल्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द सतपुड़ा, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट का भाग नहीं है सतपुड़ा का, बल्कि आर लोकेटेड इन द चामराजगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इंडिया एंड दे आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज एंड द नॉट द सतपुड़ा रेंज, ठीक है, सतपुड़ा रेंज का नहीं बल्कि ईस्टर्न रेंज का पार्ट है, ईस्टर्न कोस्ट पर यह पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो सेसल्स हिल है ऑल्सो नोन एज द तिरुमाला रेंज, शेषलम हिल्स को तिरुमाला रेंज भी के नाम से भी जाना जाता है, आर हिल रेंजेज ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड लोकेटेड इन द सदर्न आंध्र प्रदेश। आपको पता है तिरुमाला जो रेंज है बहुत फेमस रेंज है, और शेषलम पहाड़ियों को तिरुमाला रेंज के नाम से भी जाना जाता है, और ये लोकेटेड कहाँ पर है, ईस्टर्न आंध्र, सदर्न आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में है। दे आर बाउंडेड बाय द रायलसीमा अपलैंड्स इन वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट एंड नाड्याल वैली इन नॉर्थ ईस्ट। The terrain of the Seychelles Hill is characterized by dense forest, बहुत घने यहाँ पर जंगल है, and rocky cliff valley है, so statement third is also not correct, इसलिए जो तीसरा statement था वो भी गलत था। आगे देख लेते हैं, हमारा जो आठवां सवाल है उसके बारे में जान लेते हैं। So consider the following statements, दो statements हमारे सामने दिए गए हैं, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज द रिस्पेक्ट टू अबव स्टेटमेंट, हमें क्या देखना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हमको वो यानी ये कथन और कारण वाले के आधार पर सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसमें से कौन सा हमारा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिशन, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिशन, क्या ये सही है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पर जो मृदा होती है वो बहुत ज्यादा रिच होती है न्यूट्रिशंस में, उसमें बहुत पोषक तत्व होते हैं। अगर आपने क्लासेस की है अगेन तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये भी पता चलेगा कि ये सवाल अगर गलत है स्टेटमेंट तो क्यों गलत है ना, किस तरीके से ये गलत है। सो ये स्टेटमेंट हमारा है गलत, ठीक है। आगे देख लेते हैं, द हाई टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली, बिल्कुल जो हाई टेम्परेचर होता है यानी मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और ये बात हो रही है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, सो इसके कारण से क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द सॉइल डिकम्पोज क्विकली, मृदा में जो डेड लीव्स होती हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होता है, वो बहुत ही क्विकली डिकम्पोज हो जाते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तापमान बहुत अधिक होता है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, नमी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेजी से होती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा सही, अब हमें इसमें से देखना है कि कौन सा सही है। सो स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड आर करेक्ट, नहीं, सो स्टेटमेंट वन तो गलत है, तो ये तो यही गलत हो गया, बोथ स्टेटमेंट वन एंड आर ये भी गलत हो गया,
थर्ड कह रहा है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, नो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, सो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, है ना। ये आंसर हमारा सही है, डी आंसर है इसका, डी। आगे देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है कंसीडर द फॉलोइंग, सेम कथन कारण बेस्ड हमारा सवाल है और वैसे ही दो कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें देखना है कि विद वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है इन स्टेटमेंट्स के आधार पर। सो देख लेते हैं, स्टेटमेंट वन कह रहा है द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप और महासागरों के बीच में जो तापमान का कॉन्ट्रास्ट होता है, जो विरोधाभास होता है, वो ज्यादातर होता है गर्मियों के दौरान सर्दियों के अपेक्षा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है, ऐसा गर्मियों के दौरान होता है सर्दियों के अपेक्षा। और दूसरा स्टेटमेंट है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट द लैंड ऑफ सरफेस, यानी कि जो स्पेसिफिक हीट होती है, जो विशेष ऊष्मा होती है पानी की, वो ज्यादा होती है लैंड सरफेस की अपेक्षा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन। बिल्कुल, विरोधाभास इसीलिए होता है और ये गर्मियों में होता है, ठीक है। हाँ, हमारा ये आंसर इसमें सही है, आंसर है ए। आगे देख लेते हैं, आंसर है हमारा ए। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबव इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हमें ये देखना है। सो फर्स्ट तीन दो स्टेटमेंट हमारे सामने हैं, देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन अ सेस्मोग्राफ पी वेव आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और मैंने ये क्लास में भी कराया है, मैंने एक दिन एमसीक्यूज वाली हमारी जो क्लास चलती है वीकली, उसमें भी ये कराया है वेव्स से रिलेटेड, तो भी ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन अ सेस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू अ फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन वेयर एस वेव एंड द पार्टिकल्स वाइब्रेट अप डाउन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो आंसर होगा इसका सी, आंसर होगा सी, आंसर है सी। फर्स्ट स्टेटमेंट पी वेव और प्राइमरी वेव आर फर्स्ट वेव्स, इनको मुख्य वेव भी कहा जाता है, पी वेव्स को प्राइमरी वेव भी कहा जाता है, प्राथमिक तरंगें कहा जाता है, अराइव्ड एट सिस्मोग्राफ एंड पी वेव्स आर फास्ट फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स एंड कैन मूव थ्रू सॉलिड गैस एंड लिक्विड। एक चीज और, जो प्राइमरी वेव्स होते हैं वो ठोस द्रव गैस सॉलिड गैस और लिक्विड तीनों से ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, दे लीव बिहाइंड द ट्रेल ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फंक्शन ऑन द मीडियम एंड दे मूव थ्रू। पी वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव्स फॉर दिस रीजन। सेकेंड स्टेटमेंट है पी वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड विच मीन्स दैट द पार्टिकल्स मोशन अक्योर पैरेलल टू द डायरेक्शन और वेव प्रोपोगेशन एंड दीज वेव्स आर द कंप्रेशन वेव्स एंड वेव पार्टिकल्स ऑसिलेशन बैक एंड द फोर्थ इन सेम डायरेक्शन दैट द वेव इज ट्रेवलिंग। एज अ रिजल्ट द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। तो इसलिए हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट था वो भी सही था। ऑन द अदर हैंड, जब हम देखते हैं सेकेंड वेव्स को, सो ट्रांसवर्ड वेव्स देयर पार्टिकल्स मोशन अक्योर्स अ प्रोपेंडिकुलर एंड ये राइट एंगल में प्रोपेंडिकुलर लंबवत चलती हैं जो एस वेव्स होती हैं। द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन एंड दीज वेव्स कॉज द पार्टिकल्स टू मूव अप एंड ड्रोन साइड टू साइड एंड साइड टू साइड प्रोपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। देयरफॉर एस वेव्स इन द पार्टिकल वाइब्रेट एंड द राइट एंगल ऑफ द डायरेक्शन वेव्स ऑफ द प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये था एस वेव्स और पी वेव्स के बारे में, जो कि 2023 में पूछा गया सवाल है और हमने अपनी एमसीक्यूज की क्लास में भी ये सवाल डिस्कस किया था। मतलब सेम सवाल नहीं था बट इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने वहां पर क्लियर किए थे और डिस्कस किया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और हमें क्या देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो देख लेते हैं, करेक्ट पूछ रहा है इसमें से, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर,
इनमें से कोई भी समुद्र का पानी का यूज नहीं करता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नन ऑफ देम इज सेट अप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होते हैं, इनमें से कोई भी पावर प्लांट ऐसा नहीं होता है जो कि जहां पर पानी की कमी है और उस एरिया में या उस राज्य में ऐसा प्लांट एस्टेब्लिश किया जाए। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि पानी की जरूरत हो पड़ती है ना। तो नन ऑफ दैम सेटअप इज वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट एंड नन ऑफ दैम इज प्राइवेटली ओन्ड। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट अभी तक पूरे तरीके से सरकार के नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, कोई भी प्राइवेटली ओन्ड नहीं है। सो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है, आंसर होगा सी। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है ना। आंसर हमारा इसका सही है थर्ड। ओके, इसका आंसर है डी, यानी थर्मल पावर प्लांट सी वाटर का यूज किया जाता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है हमारे सवाल, ठीक है, एक मिनट। हाँ, सो अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है, प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है। दूसरी चीज, ये दूसरा सवाल मेरे माइंड में चल रहा था, देखो ऐसे ही ह्यूमन एरर होते हैं जो नहीं करना है वहां पे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये हम देख लेते हैं, आंसर है हमारा इसका डी। सो इन इंडिया सेवरल कोल फायर थर्मल पावर प्लांट एंड एम्प्लॉय सी वाटर फॉर वेराइटी फंक्शन एंड वेराइटी फंक्शन कूलिंग एंड कंडेंशन सिस्टम। सी वाटर इज फ्रीक्वेंट सप्लाई, सी वाटर से ही सप्लाई होगी, कहाँ से? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कूलिंग एंड पावर प्लांट्स नियर द कोस्ट। इट शुड बी नोटेड हाउएवर दैट नॉट ऑल द पावर प्लांट सी वाटर। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 40% ऑफ द कंट्रीज थर्मल पावर प्लांट्स आर लोकेटेड एरियाज एंड फेसिंग हाई वाटर एंड प्रॉब्लम सिंस देन द प्लांट यूज कूलिंग। सो स्कार्स वाटर इज ऑलरेडी हैम्परिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इन दिस स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एंड देयर आर बोथ प्राइवेटली एंड पब्लिकली ओन्ड। यानी ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार के नियंत्रण में आता है, पब्लिकली प्राइवेटली ओन्ड भी है, सी वाटर का यूज भी किया जाता है। तो इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं था, आंसर था डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। आगे देख लेते हैं, सो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत था, क्योंकि प्राइवेटली ओन्ड भी है और पब्लिकली ओन्ड भी है। आगे देख लेते हैं, जो हमारा अगला सवाल है, 12वां सवाल है, वो है विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमोसफेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम बात कर रहे हैं अर्थ के एटमोसफेयर की, और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, करेक्ट है अर्थ के एटमोसफेयर के क्षेत्र में। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स ऑफ दैट रिसीव्ड एट पोल्स। तो ये स्टेटमेंट है गलत, ये स्टेटमेंट है हमारा गलत। सेकेंड स्टेटमेंट है इंफ्रारेड कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है इंफ्रारेड वेव्स लार्जली अब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट कॉन्सेंट्रेशन इन लोअर एटमोसफेयर। बिल्कुल गलत, यानी हमारा जब आंसर आ गया है, ये हमारा जो सी आंसर है वो है इसमें सही, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसुलेशन, तो ये गलत है। एंड इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट कॉन्सेंट्रेशन इन द लोअर एटमोसफेयर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। एंड इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। सो हमारा जो इसमें आंसर आएगा निकल करके, वो आएगा सी, आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी। देख लेते हैं, आंसर है सी। आगे देखते हैं, 2023 में जो अगला सवाल पूछा गया है, 13वां सवाल है, उसके बारे में देख लेते हैं। और ये कथन कारण बेस्ड सवाल पूछा गया है, दो कथन दिए गए हैं, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू अबव द स्टेटमेंट। इसमें देखा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सो देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट कह रहा है इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंडेंट्स ऑन द कोल फॉर मोस्ट इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है। सो इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिस्पाइट डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो ऐसा जरूरी नहीं है अभी के समय में तो कि भारत मोस्टली जो पावर प्रोडक्शन के लिए कोल बेस कोल पर ही डिपेंडेंट हो। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये सही है, डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स ऑन द कोल बेस्ड यूरेनियम, है ना, कोल फॉर मोस्ट इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है यूरेनियम एनरिच्ड टू एक्सटेंट एट लीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि डिस्पाइट बीइंग द यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंडेंट कोल फॉर मोस्ट इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन,
ज्यादातर क्या होता है आज भी, क्योंकि देखो जब से रिन्यूएबल एनर्जी पर बात की जा रही है ना, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो शिफ्ट है कोल पर वो धीरे धीरे वहां से रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम डेटा के आधार पर देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जो ज्यादातर डिपेंडेंसी है वो कोयला पर ही है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो हमारे साधन है ना, जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। कोयला बन चुका है, जब बना है कार्बोनिफेरस काल में, हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में, ठीक है, अब वो धीरे धीरे फिनिश होता जा रहा है। तो हमें क्या कर रहा है, इसीलिए रेनुबल एनर्जी पर शिफ्ट किया जा रहा है कि सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जियो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, ताकि हमारे जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें आगे आने वाली जेनरेशन के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है सी, आंसर होगा इसका सी। इंडिया इज द वर्ल्ड 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। ये आपको कई बार क्या होता है, चार राज्य देश दे देगा कि वर्ल्ड में किस नंबर पर कौन सा आता है, और भारत की जब बात आती है तो हमारे चूंकि एग्जाम हम दे रहे हैं ना, तो हमारा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे देख लेते हैं। विद एन आउटपुट ऑफ 617 टन इन 2020 एंड अप टू 0.26% इन 2021, हाउएवर कोल इज स्टिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द अबेंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। यानी अभी भी भारत में कोयला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबेंडेंट फॉसिल फ्यूल है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो शिफ्ट है वो चेंज किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, हमें ये भी ध्यान रखना है, राइट। सो आगे देख लेते हैं। इट अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी नीड्स, सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, इसलिए स्टेटमेंट हमारा वन ठीक है। यूरेनियम इज अ एलिमेंट विच ऑक्यूर्स नेचुरली, इट कैन हैव न्यूक्लियर रिलेटेड यूजेस वंस इट हैज बीन रिफाइंड और एनरिच्ड। दिस इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द कॉन्टेंट एंड फॉर दिस मोस्ट फॉसिल आइसोटोप्स U-235 यूरेनियम 235 थ्रू द यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल्स एंड द मैकेनिक्स विच इज फाइंड एज सस्पेंशन ऑफ नीड्स एंड लो एनरिच्ड तो यूरेनियम होता है विच टिपिकली हैज 3-5% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ U-235 एंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस फ्यूल फॉर कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। सो दैट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था। हाईली एनरिच्ड जो यूरेनियम होता हैज प्योरिटी ऑफ 20% और मोर एंड यूज इन रिच रिसर्च सेक्टर एंड वेपन्स ग्रेड यूरेनियम इज 90% ऑफ एनरिच्ड और मोर। यानी जो वेपन्स में यूरेनियम यूज किया जाता है वो 90% एनरिच्ड होता है, प्योर होता है, राइट। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन था वो था सी। ओके, सो ये हमारे पिछले 3 वर्षों के एमसीक्यूज थे, 2021, 2022 और 2023, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एनालिसिस किया, आपको बहुत सारी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी जब आप ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज, हमने जो वीकली क्लासेस अपने किए हैं आप एक बार उनको भी जल्दी जल्दी अगर हो सकता है तो रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बस जितना भी हो सकता है 2 दिन में आपको रिविजन करना है। और जो भी एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एंजाइटी होती है उससे बचना है, खाने पीने का ध्यान रखना है ताकि एग्जाम तक हेल्थ आपकी ठीक रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एग्जाम के बाद, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई लोड नहीं लेना है किसी भी तरीके का, है ना, बहुत अच्छे से। देखो बस एक चीज का डिफरेंस होता है कई बार, जिसने भी एग्जाम हॉल में अगर उस प्रेशर को हैंडल कर लिया, अगर आपने प्रेशर हैंडल कर लिया तो आपके बहुत सारी चीजें ऐसे ठीक हो जाती हैं। हमारा जो पेपर बिगड़ता है वो बिगड़ता है एंजाइटी की वजह से, प्रेशर की वजह से। प्रेशर में नहीं आना है, जिस तरीके से आप क्लासरूम में आते हो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, देते हो, है ना, मॉक टेस्ट देते हो ना प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में आकर, क्लास में आके, आप वैसे ही समझिए कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए जाना है। आप बिल्कुल माइंड से निकाल दो कि एग्जाम के लिए जाना है। अगर एग्जाम एग्जाम रहेगा तो थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। आप ऐसे सोचो, आप अपने कोचिंग जा रहे हो, आपको टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है, और फिर देखिए अच्छे से होगा। सो प्रेशर से बिल्कुल बाहर रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एग्जाम के बाद।